Assalamualaikum. Good morning with Sabhi. आपकी खिदमत में fresh fresh हाजिर है क्योंकि आज है पीर और मंडे जिसे कहते हैं हम. और पीर का दिन ऐसा दिन होता है जो हम दो दिन की छुट्टियों और कभी कभी किसी पर्सन का ऐसा भी होता है सैटरडे संडे ऑफ एंड समटाइम ये होता है सिर्फ संडे ऑफ, लेकिन सारा दिन वर्किंग में और शादी. आजकल तो देखो मेरे हाथ पे भी मेहंदी लगी है और मेहंदी यूं है कि हम इन दिनों शादियां अटेम्प्ट कर रहे हैं और खूब रश है शादी हॉल में खाने में. और आज उसी से रेलिवेंट आपको जो है बड़ा जबरदस्त मैसेज आपसे शेयर करती हूँ. ये शादियों में बड़ा एक अजीब सा सीन होता है. मेरे अभी भतीजे की शादी हो रही है और हुई है अभी वलीमा, मैंने कल अटेम्प्ट किया और मैंने देखा कि शादी हॉल में जब हम रोड से गुजरते हैं तो ऑफ कोर्स शादी हॉल में बहुत रश होता है और बाय रोड पे बड़ा ब्लॉक होता है, मीन ये ट्रैफिक जैम होता है और हर पर्सन को ऑफ कोर्स जाने की जल्दी होती है. चाहे आगे रोड खुला हुआ है लेकिन उस जगह पर बहुत ज्यादा रश होता है, पार्किंग नहीं मिलती. ठीक है, तो इन चीजों को मैंने बहुत नोट किया है. और इसके अलावा खाने में बहुत ज्यादा लोग पता नहीं क्यों खाने को ये समझते हैं कि वो कभी दोबारा उनको जैसे मिलेगा नहीं और वो आज ही वो इतना ज्यादा डाल लेते हैं. यार खुदा का खौफ करो, इंसान का खाने का कैपेसिटी कितनी है? 2 रोटी 3 रोटी 1 प्लेट और इससे ज्यादा कितना खा लेना है हम लोगों ने. लेकिन मैं बहुत सारी ऐसी चीजें देखती हूँ. और पता हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों में शिफ्ट कर रहे हैं. क्या शिफ्ट कर रहे हैं? हम बच्चों में शिफ्ट कर रहे हैं कि जाओ जी प्लेटें भर के ले आओ. और मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं. ठीक है, और ये जरा बहुत गलत है. हम लोग रिस्क की जो है ना, और मैंने बहुत जगह देखा कि जब खाना, क्योंकि हम एंड तक थे तो खाना जब बचा और इतना सारा उस बंदे ने बर्तन जब भरे तो बहुत सारी चीजें सही थी, जैसे ब्रोस्ट है और जैसे टिक्का है या इस तरह की चीजें थी ना, वो जो नहीं किसी ने खाई तो वो पूरी पूरी उसमें. फिर रोटियां, तो अल्लाह पाक मैं यकीन करें आप सुबह जब उठे परिंदे से लेके तमाम हशरात तक हर कोई जो है ना एफर्ट कर रहा है. किसके लिए? खाने के लिए, पेट के लिए, मेहनत कर अपने बच्चों के लिए. तो हम जब सुबह उठते हैं, आप कभी देखा रोड के ऊपर ये दौड़ा दाड़ी चल रही है, हर कोई अपनी जगह मकाम तक पहुंचना चाहता है. तो आप सोचें किसके लिए? सिर्फ रोजी के लिए. तो रोजी के एहतराम भी तो कीजिए. और समटाइम ऐसा भी होता है, मेरे सामने यहाँ पे बैठे हुए मेरे व्यूवर्स हैं, बहुत प्यारे हैं आप लोग, अल्लाह पाक आपको खुश रखे. पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मेरी आवाज सुनी जा रही है, गुड मॉर्निंग विद सभी का शो देखा जा रहा है, विनस टीवी जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज 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 खाने की इतनी बेहरमती ना किया करें. इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं. और जब ये खाना जब लगता है, अक्सर मैंने एक और फैमिली में भी देखा है, आजकल ऑफकोर्स जैसे दुनिया आगे मूव कर रही है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है, तो हम लोग जो है ना मोबाइल कम्युनिकेशन में बहुत आगे, ईजीएस्ट बहुत हो गया. मैं ये नहीं कहती हर चीज़ का डिपेंड ऑन यू कि आप कैसा यूज़ करते हैं, आई डोंट नो, आपके ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन आपने देखा होगा सब फैमिली बैठे हैं और सब मोबाइल यूज, यहाँ तक कि खाना सामने रखा है और हमारा ध्यान ऐसे 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 करके खाना खा रहे हैं. यार खुदा के लिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ आप लोग प्लीज रिस्क का एहतराम करें. 10 मिनट का खाना होता है. अपने बच्चों में जो आप डेवलप कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, आप खुदा के लिए आपको नहीं पता इसके कितने बुरे इफेक्ट्स होंगे. बच्चों को ट्रांसफर ये करें जो 5 साल का 6 साल का बच्चा, उसे सीखने एवरीथिंग इज ओके. जस्ट आप उसको प्रे करवाएं, उसको दुआ करवाएं कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र है आज हमें तुझे रोजी तूने हमें रोजी. और ख़ास तौर पर आपने हमें खाना नसीब किया. समटाइम लोग इतनी दौलत होके भी ये नहीं खाना वो नहीं खाना, किसको क्या बीमारी किसको क्या, इन तमाम चीजों को जरा सोचें. और जब रिस्क आए तो उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्लाह का शुक्र अदा करके खाएं. ये तमाम चीजें मैं यकीन करें यकीन से कह सकती हूँ 10 साल के बाद हमारे मुंह पर आके लगेंगी अगर हम लोगों ने ये छोटी छोटी चीजों को इग्नोर किया. तो बस ये है, मैं कुछ चीजें देखती हूँ और मैं बहुत जनरली और नेचुरली बात करती हूँ. खाने की कैपेसिटी ही इतनी है, उम्र का हमारा जो है एक एवरेज है 60-70 साल. और अपनी फैमिली मेंबर से जब भी मिले इस तरह मिले कि ये अब आखिरी बार मिल रहे हैं, ये ना सोचें कि छोड़ें यार अभी नहीं मैं इससे मिलती, अभी इसको नहीं सलाम करती. जिस कोशिश करें जितना भी हो सके, आप जब भी किसी से मिले कहते हैं जब नमाज पढ़े तो समझ लें कि आखिरी बार पढ़े. तो जब अपने बहन भाइयों से रिश्तेदारों से मिले समझ लें आखिरी बार मिल रहे. बाखुदा वो हमेशा आपको याद रखेगा कि मुझे वो मिला. फिर आपको पता क्या, शादियों में कितने कितने साल बाद कजन्स मिलते हैं. मेरी भी अभी कजन मिली इतने 2 साल के बाद.
ऐसा ही होता है, एक साल शादी, किसी का गैप आ गया, शादियां भी तो रोज नहीं होती ना, एक सीजन होता है, शादियां चल रही हैं, तो अभी शादियों के सीजन है, तो सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो बस ये छोटी छोटी मोहब्बतों को कोशिश करें। और फिर मेरी एक और खास तौर पे उनको मत भूलें जो आपसे दूर है। मैं अपनी बहन को मिस कर रही थी कनाडा में, वो समीना बाजी, लव यू मेरी सिस्टर। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि फिर मेरा भांजा है इतना जॉली है दानिश, वो दुबई में, मैं उसको बहुत मिस कर रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एक मेरी बहन है एबटाबाद में, वो आज आ गई, यानी कि शादी में पहुंच गई, उन्होंने शादी अटेम्प्ट की, वो बहुत इंजॉय, और यू नो अबाउट कि 15 साल बाद उन्होंने एक शादी अटेम्प्ट की है। तो ये जो बहनें होती हैं, ये जो रिलेशन होते हैं, ये जो आउट ऑफ सिटी और आउट ऑफ कंट्री में होते हैं ना, बाखुदा इनसे पूछें कि इनकी फीलिंग क्या होती है। तो बस ये जिस तरह मैं तो अपने उन इर्द गिर्द बात करती हूँ, और आप लोग भी प्लीज मत भूला करें और इनसे बहुत प्यार किया करें, छोटी छोटी चीजें होती हैं, और इग्नोर भी किया करें, ये बहुत जरूरी है, छोटी बातें हो जाती है ना, इनको दरगुजर करें, उन बातों को याद करें जो अच्छा वक्त उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया या उन्होंने आपके लिए अच्छा किया, ये बहुत जरूरी है। चलें जी, ये हो गया है अपने और मोहब्बतों के रिश्तों की बातें, और मेरी बातें तो ऐसे ही होती हैं। कहती हूँ मुझे बात आ रही है, काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, और मैं भी ऐसा नहीं कि किसी को बहुत ऐसा नहीं होता, समटाइम किसी को अच्छी भी लग जाती है। चलें जी, ये हो गया गुड मॉर्निंग विद सभी का है स्टार्ट, और हमने कर लिया इब्तदा, और अब हम बात करेंगे आप लोगों के प्यारे प्यारे सेगमेंट्स की, और हम आपके बिल्कुल हेल्थ की भी बात करेंगे, हम कुकिंग के तड़का भी लगेगा, और फिर हो जाएगा आपका फेवरेट सेगमेंट और ब्यूटी सेगमेंट, हेयर स्टाइल बनाने वाली ब्यूटिशियन बिल्कुल रेडी हो जाए, क्योंकि आप लोगों के लिए जबरदस्त आर हेयर स्टाइल वन बाय वन आपको स्टेप सिखाए जाएंगे, कोमल हमारे साथ होंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द जी पीबीआई लेकर आ रहा है विद कैरलॉन एक एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास, यानी कि पीबीआई एंड कैरलॉन जॉइंट मेंशन इज द बिगेस्ट मास्टर क्लास ब्यूटी वर्कशॉप 21 दिसंबर को, जिसमें आप सीखेंगे ब्राइडल मेकओवर, हेयर स्टाइल, हेयर कलर एंड स्किन से रेलेवेंट बहुत कुछ नॉलेज। तो आर यू रेडी, क्योंकि बहुत ही रिजनेबल चार्जेस है। नंबर है 03158248704, एंड अगेन एक और नंबर भी है 03442069902। आप हमें रब्ता करें और फौरन पास लें, और जो पीबीआई का मैं बहुत थैंक्स करती हूँ, पीबीआई हमें बहुत सारी ब्यूटिशन या रिकमेंड करती हैं, करते हैं हम उनका बहुत इस ऑर्गेनाइजेशन का थैंकफुल, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है, और जिसके पास ये पास है वो तो मॉर्निंग शो में फौरन आ जाए, ओहो, यानी कि डबल 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 सरप्राइज। चलें जी, ये हो गया है आप लोगों के लिए सरप्राइज, अब यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, ले छोटी सी, जाना नहीं आप लोगों ने कहीं पर, क्योंकि गुड मॉर्निंग विद सभी फॉर यू आपके लिए हाजिर है, और कीप वॉचिंग विनर्स टीवी, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग विद सभी, लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में हाजिर है, और ये है हेल्थ सेगमेंट, और मैं ये नहीं चाहती कि यार मैं ऐसा रोना धोना मचा दूं कि आप बीमारियां आ गई, नो 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 वे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हम अपनी हेल्थ की अवेयरनेस अपने पास रखें, यानी कि अगर इर्द गिर्द में कुछ भी होता है, समटाइम मुझे अच्छी तरह से मेरी वालदा जो है ना वो जैसे कहते हैं ना डॉक्टर के पास लेके जाने से पहले तो हमें क्योर कर लेती थी, कभी अल्लाह ना करे हाथ जल जाए तो फौरन आलू पीस के फटाफट लगा दी, यानी कि एक थोड़ा सा हम उसे फर्स्ट एड कह सकते हैं। तो नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो देन गो टू डॉक्टर, तो फिर बहुत ज़रूरी होता है, डॉक्टर के बगैर तो गुजारा नहीं है। तो आज इतने सारे सेगमेंट होते हैं, हाँ जी इतने सारे सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम लोग शुगर की बात करें, हेपेटाइटिस की बात करें, नज़ला जुकाम की बात करें, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में डॉक्टर्स को ना मॉर्निंग शो में लाया जाता है ना उसके बारे में डिस्कशन की जाती है। तो आज हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर सबात रफीक, और जो है स्पेशली शी इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट, और हमने जो स्पेशली उनको बुलवाया है ये बिलोंग टू एबटाबाद और इस साइड पर ऑफकोर्स वहाँ पर है, तो हमने कहा जब आप यहाँ तशरीफ लाएंगे तो थोड़ा हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी में
अवेयरनेस शेयर करें, क्योंकि इसके बारे में कहीं पर भी डिस्कशन नहीं होती। तो मैं इनको वेलकम करती हूँ, डॉक्टर सबात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स फॉर कमिंग बीनो शो, आप यहाँ पर तशरीफ लाएं। हमारे पास हर तरह के डॉक्टर्स आते हैं, डिफरेंट डिस्कशन भी होती है लाइक, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो है हमारे फिजियोथेरेपी के बारे में लोग इतना नहीं जानते हैं कि क्या चीज़ है। समटाइम जिसको होगी वो तो डॉक्टर के पास, ऑफकोर्स वो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करेगा कि आपको ज़रूरत है फिजियोथेरेपी की, ज़रूरत है, लेकिन आम फैमिलीज में 90% नॉलेज नहीं रखते। ऐसा क्यों है? एक्चुअली लोग बेसिकली उनका फोकस मेडिसिन पे होता है, और हाँ उनका ये फोकस होता है कि मेडिसिन हम लेंगे तो हम लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उनको अवेयरनेस फिजियोथेरेपी की बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लेमैन को अगर बता रहे भी होंगे जिनको नहीं पता, तो वह बहुत हैरान होकर सुनते हैं कि वट ये है क्या, वट इज़ दिस। तो उन लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं होती इसकी, तो अवेयरनेस के लिए होना चाहिए, लोगों को अवेयर इससे करना चाहिए कि फिजियोथेरेपी भी एक कोई फील्ड है, इससे आप अपनी लाइफ को दोबारा से रिस्टोर, मूवमेंट फंक्शन कर सकते हैं। अवॉइड आप सर्जरी करें, ठीक है, अवॉइड टू सर्जरी, सर्जरी के अलावा भी आप अपनी लाइफ को रीगेन रिस्टोर कर सकते हैं। इससे अलावा फिजियोथेरेपी बहुत ही बेनिफिशियल है हम सब के लिए, सारे इंडिविजुअल्स के लिए। और फिजियोथेरेपी में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आपके पास स्ट्रोक के हो गए, फ्रोजन शोल्डर के हो गए, और टेनिस एल्बो के हो गए, मतलब ओवरऑल बात की जाए तो काफ़ी हेल्पफुल रहती है फिजियोथेरेपी। ठीक है, अच्छा हाँ। एक और बात मैं ऐसा बात कहना चाहूँगी कि जैसे अभी फ्रोजन शोल्डर जी, अच्छा आपने देखो ऐसे बस बाजू यहाँ अटक जाता है जी, और मैं जैसे विजिट किया तो लोग कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे ना उनका बाजू मूव नहीं कर रहे, और हल्का सा टच भी करो तो उनको बहुत तकलीफ होती है जी। बस हर किसी के माइंड में ऐसे, पर डॉक्टर ऑफ कोर्स प्रिस्क्राइब करते हैं इसे हम एक्सरसाइज, वैसे तो हमें नेचुरली डेली ही एक्सरसाइज करनी चाहिए हल्की फुल्की, और सुबह उठ के या शाम में जैसे, लेकिन हम लोग बिल्कुल अपना बॉडी जाम करके बैठे हैं, और जब वो कुछ प्रॉब्लम होती है हमारे मसल्स खींच रहे। अच्छा क्या फिजियोथेरेपी जो होती है वो क्या मसल्स पेन होता है या क्या बोन्स पेन होता है, थोड़ा ये थोड़ा प्रिस्क्राइब कर? नो, फिजियोथेरेपी अगर टूल होता है किसी भी इंडिविजुअल को, अगर मसल पेन है, स्पाज़म है, या कोई भी टीयर हो गया है, या स्प्रेन स्ट्रेन है, तो हम लोग फिजियोथेरेपी प्रिस्क्राइब करते हैं, और फिजियोथेरेपी के थ्रू हम लोग उनके पेन को रिड्यूस कर सकते हैं, इम्प्रूव उनकी मोबिलिटी कर सकते हैं, मतलब दोबारा से वो मूवमेंट अपनी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई दरमियान कॉलर हूँ, ऑफकोर्स मैं बात कर रही हूँ और थेरेपिस्ट मौजूद हैं, तो अगर किसी ने भी कॉल करनी हो लाइव हमें, बिल्कुल डॉक्टर सबात मौजूद हैं, इनसे सवाल कर सकते हैं, मेरे पास तो सवाल है, मैं तो करती रहूँगी। अच्छा जब ये प्रॉब्लम आ जाती है, अक्सर मैंने देखा लोगों की जॉइंट्स पेन या कोई प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंटल भी होता है कभी कभी, तो हमारी फिर तकलीफ होती है, तो हमें डॉक्टर कहते हैं कि आप जाके फिजियोथेरेपी करें, तो इस तरह की भी कंडीशन में क्या नीड होती है, ज़रूरत होती है? जी जी, इसमें तो बहुत ज़्यादा होती है। एक्सीडेंटल केसेस में तो होता है ना, आपका लंबर रीजन इन्वॉल्व हो जाता है, फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो उसमें तो बिल्कुल ही आपकी सारी लाइफ जो है वो तकरीबन ख़राब हो जाती है, आप लोग अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, और बाकी आप अपनी लाइफ की तरफ वैसे नहीं कर सकते जैसे एक आम इंसान अपने ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहा है। तो फिजियोथेरेपी हम लोग अकॉर्डिंग मैनुअल थेरेपी के थ्रू भी हम लोग पेशेंट को, अपने पेशेंट को असिस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी भी इस पे होती अच्छा, है जी, इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू, इलेक्ट्रोथेरेपी में मोडलिटीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है टेंस आ जाता है, और हॉट पैक है, उसके अलावा इंफ्रारेड रेज होती हैं, रेज के थ्रू भी हम पेन को रिड्यूस कर सकते हैं जी। और इसमें डिजीज़ भी काफ़ी होती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है जैसे, तो उसको हम लोग ट्रीटमेंट के लिए टेंस और ये जो हॉट पैक है, मतलब मोडलिटीज़ यूज़ करके, मोडलिटी के थ्रू भी हम इसको पेन को रिड्यूस कर सकते हैं, और मैनुअली भी कर सकते अच्छा, हैं। अच्छा कुछ लोगों का ये प्रोसीजर कितने टाइम का होता है, ड्यूरेशन कितना होता है, लाइक कि अगर जैसे फ्रोजन पेन आपने कहा, और अगर मेरे बाजू में प्रॉब्लम है, तो ये मैक्सिमम कितना टाइम लेता है दोबारा रिलीव होने में? देखिए ये तो कंडीशन पे डिपेंड करता है ना, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अच्छा भाई मैंने कॉलर है, बात करने से बात पे इसको इसका आंसर अपने देना है। ओके, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है भाई साहब, कहाँ से? जी जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ, दिल मुराद। जी जी, क्या मुराद भाई क्या पूछना है, डॉक्टर सबात मौजूद है।
मैं इसलिए मजबूर हूँ भाजी के मेरा जो ना घुटना काम नहीं कर रहा है, नीचे नहीं हो रहा है घुटना। जी जी अच्छा अच्छा अल्लाह ना खैर करे। क्या उम्र है आपकी मेरे प्यारे भाई? मेरे उम्र 50 है। अच्छा तो ये हुआ कैसे आपको, ये प्रॉब्लम तकलीफ हुई कैसे? ये जरा सा घुटने का ऊपर थोड़ा सा हुआ, मतलब एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा अच्छा एक्सीडेंटल हुआ था तो वो उसको ऑपरेशन किया, सही हो गया। अच्छा कितना टाइम हो गया आपको ऑपरेशन करवाए हुए? दीदी वो उसको लग गया था ना, डॉक्टर ने सही किया लेकिन और नीचे नहीं हो रहा है। नहीं कितने टाइम हो गया आपका ऑपरेशन करवाए हुए, कितना टाइम हो गया? उसको संजो के बाजी समझो तो उसको कहने के 2 साल हो गया। ओ 2 साल बाद ये दोबारा तकलीफ हो रही है? जी तकलीफ नहीं हो रहा है, मुझे चलने में प्रॉब्लम कर रहे हैं। ओके चले चले बहुत शुक्रिया मुराद भाई अपने कॉल के भी आंसर ले रहे। नहीं भाजी मेहरबानी, मैं बड़ा मजबूर हूँ, दुआएं करूंगा आपकी। आय अल्लाह बड़ा मजबूर हूँ। आय अल्लाह अच्छा अल्लाह पाक आपको सेहत दे मेरे प्यारे भाई। मैं आपके बच्चों को भाई को दुआएं करूंगा, मैं बड़ा मजदूर आदमी हूँ, बड़ा मजबूर हूँ। अच्छा 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 मेरे भाई बस आप परेशान ना हो, चले अभी डॉक्टर साहब से। बहुत शुक्रिया जी। जैसे मैंने बताया लोग कितना तकलीफ में है जी जी। और इसके बारे में वाकई में देखिए एक बंदे को 2 साल पहले ही एक्सीडेंटल उसको प्रॉब्लम हुई, अभी डिस्कस यही कर रहे थे और वो यकीन करें वो बंदा रोने लग गया। मर्द की जात का सोचते ही नहीं है, लेकिन देखें तकलीफ जो है ना इंसान को मजबूर कर देती है और साहब अब फैमिली को देखना सब चीजें। तो अब डॉक्टर साहब आप बताएंगे, डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? एक तो उन्होंने अपनी एज बताई है 50 ईयर्स बताई है। हाँ 50 ईयर्स है एज है उनकी। और दूसरा ये कि एक्सीडेंटल है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 2 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट। अच्छा। तो एक तो हमारे पास केस होता है ना एक्यूट कहते हैं और एक होता है क्रोनिक। ठीक है एक्यूट होता है जो विद इन वीक्स 6 वीक्स ऑलमोस्ट हो तो उसको एक्यूट कहते हैं, लेकिन 6 वीक्स के ज़्यादा हो जाए तो वो क्रोनिक केस हो जाता है। ठीक है हाँ तो इन्होंने जो बताया केस इनका क्रोनिक केस है, लेकिन इसको हम लोग ट्रीट करके हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रीगेन उनको रीस्टोर उनकी फंक्शनल मूवमेंट को कर सकते हैं थ्रू फिजियोथेरेपी। तो इसमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हो सकती हैं और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जिसकी वजह से इनकी जो मूवमेंट है वो दोबारा से रिगेन हो सकती है। इसकी कुछ एक्सरसाइज है जिससे ठीक हो सकता है? जी जी जिससे हो सकता है। वो बेचारे कहीं मेडिसिन लेते रहते होंगे लेकिन कि फिर थोड़ी देर पेन रिलीव हुआ देन फिर दोबारा होगा। हमारे दरमियान एक और कॉलर है डॉक्टर सबात के लिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सभी कैसी हैं? हां वालेकुम सलाम यार कैसे हो आप? ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर सबात को भी सलाम हो। सभी फिजियोथेरेपी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एक जो डिपार्टमेंट है, जो जाहिर है अगर ऑपरेट आदमी कराता है तो फिजियोथेरेपिस्ट के बगैर उसके बाद वो उसकी सर्जरी की जो उसके चीजें वो कंप्लीट नहीं हो सकती। इसलिए हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं माशाल्लाह हमारे कराची में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इस तरह के। मेरा ऐसे सवाल ये है ना कि देखें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जब हम सर्जरी वगैरह हो जाती है तो हम फिजियोथेरेपिस्ट हायर नहीं करते और ये बड़ी स्पेशलाइज जॉब है। एक तो इसके बारे में बताइए क्योंकि हम जाहिर है अपनी बॉडी की मूवमेंट हमें नहीं पता होगी, स्लो ब्लड हमारा नहीं बनेगा तो हमारा रिस्टोरेशन ऑफ दी वो जो पार्ट है पूरा सही तरह हो नहीं सकेगा। एक तो ये दूसरा मुझे पूछना है कि कोई एक ऐसा बताएं कि आपके पास कोई ऐसी एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी में है जो किसी साइनस के मरीज के लिए हो, जैसे मुझे है साइनस और मैं मुझे प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए कोई एक्सरसाइज बता दें। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्ट्रिकल आप जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं जो शॉक के जरिए आप फिजियोथेरेपी करते हैं तो क्या इंसानी सेहत के लिए वो ठीक है, उसके कुछ नुकसान तो नहीं है? ये मेरा सवाल रेस की बात हो। बहुत शुक्रिया याया, बहुत शुक्रिया। हमारे रेगुलर कॉलर है, बहुत शौक से प्रोग्राम देखते हैं और बड़े गौर कहते शौक और शौक इनके अंदर बड़ा है, हर बात को बहुत तरीके से मैनेज करते हैं। अच्छा अब बताइएगा मुझे कि पहला सवाल उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जब एक्सीडेंट होता है तो हम फिजियोथेरेपिस्ट हायर नहीं करते, पहले इसका आंसर कर लेते हैं फिर हम सेकेंड ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जो फिजियोथेरेपी को वो रिकमेंड उस टाइम पे नहीं करते क्योंकि एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट उसके बाद अगर फिजियोथेरेपी को साथ में रिकमेंड की जाए तो इतना टाइम मतलब ना उनका ज़ाया भी ना हो, वेस्ट ना होना, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो जल्दी ठीक हो। तो उसके लिए ये बेहतर है कि आप फिजियोथेरेपी को साथ में ज़रूर रिकमेंड डॉक्टर्स को करना चाहिए, अवेयरनेस साथ में मतलब जो पेशेंट है उनको भी बताना चाहिए कि आप अपने पास से घर के पास या आप रेगुलर बेसिस पे जाएं तो आपका ये मसला हल हो सकता है। ओके अच्छा सेकंड उन्होंने कहा कि दूसरा सवाल इन्होंने मैं तीसरे पे जान में आ रहा है मेरे कि इन्होंने कहा कि हमारे बॉडी में ये रेस के थ्रू अगर कोई इसके साइड इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट्स जी प्रिकॉशंस इसमें है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं
कॉन्ट्राइंडिकेशन, जैसे मैंने टेंस के बारे में आपको मोडेलिटीज के बारे में बताया है, तो टेंस हम लोग उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन हम प्रेगनेंसी में हम नहीं यूज करते हैं. okay, जी है. उससे जो हमारा मेनोपॉजल पास है वो मतलब इंक्रीज होता है रेट. okay, उससे ठीक है. okay. तो इसलिए कॉन्ट्रा टेंस. और उसके अलावा जो रेस की बात इन्होंने की है, आई आर रेस की, इंफ्रारेड रेस, तो वो एज सच हार्मफुल नहीं है, क्योंकि पता होता है कि आप पेशेंट को किस तरह दे रहे हैं और कितने ड्यूरेशन से दे रहे हैं. okay. तो एज सच वो हार्मफुल नहीं होता. इसकी हर एक मोडेलिटी की कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड इंडिकेशंस होती है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं. अच्छा, एक उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है एक्सीडेंट हुआ, हमारे वो वहां से ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो गया, ये सवाल इन्होंने सेकंड में किया था तो याद आ गया. उन्होंने कहा कि फ्लोइंग, अब हमें उसको दोबारा भी तो रवानी में लाना है, क्योंकि एक्सीडेंटल में ब्रेकअप हो गया, अब दोबारा उसको ज्वाइन किया, अब इसके लिए भी लोगों को बताना चाहिए कि हमारा फ्लो भी होना, इसका क्या प्रोसीजर है? इसका ये है कि आप फॉर एग्जांपल आप फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, इसमें एक्सरसाइजेस है फिजियोथेरेपी ना, तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन से आप अपनी ब्लड फ्लो को अचीव कर सकते हैं. ठीक है, सर्कुलेशन, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन अच्छी होगी तो उससे आपके ब्लड प्रेशर के इश्यूज जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे. ठीक है, सर्कुलेशन इम्प्रूव आपकी होगी तो ज़ाहिर है आपकी जो लाइफ है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप सर्वाइव करेंगे. और ब्लड प्रेशर के इश्यूज, अगर ब्लड प्रेशर है आपको तो उसके साथ और भी काफ़ी डिजीजेज आपकी इंक्रीज हो सकती हैं. तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले एलिमिनेट करना चाहिए ब्लड प्रेशर को. तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले सर्कुलेशन को देखते हैं. ठीक है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए फिजियोथेरेपी इज वेरी बेस्ट. जबरदस्त. अच्छा, हमारे दरमियान और भी कोई कॉलर है, क्योंकि गुफ्तगू चल रही होती है तो रह जाता है, कोई कॉल करना चाहे. डॉक्टर सबात मौजूद है, शी इज अ फिजियोथेरेपिस्ट, और फिजियोथेरेपी के बारे में लोग नहीं ज्यादा जानते, और खास तौर पे जब एक्सीडेंट होता है और दोबारा, ये जो मुझे लग रहा है वो मेरे प्यारे भाई है ना जिनका ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो वो ब्लड सर्कुलेशन रुका है अब उनको पेन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी तरफ से तो ऑपरेशन में ठीक हो गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्होंने सजेस्ट नहीं किया कि आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज रखें जिससे आपका दोबारा से दौराने खून जो है वो रवा दवा हो जाए, लेकिन वो मुझे लग रहा है उनका कोई ब्लॉकेज आ गई है, कुछ ऐसा तो नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, ऐसा कुछ तो हुआ है उनके साथ? नहीं, वो बता रहे हैं क्या हुआ था इसके? वो बता रहे हैं कि उनका एक्सीडेंट हुआ है ना, तो नी का बता रहे हैं वो ना, एक्सीडेंट हुआ है तो उनसे मतलब नी के अराउंड कोई स्वेलिंग वगैरह. अच्छा, वो ये बता रहे हैं कि 2 साल बाद अब मुझे, मैं पेन नहीं हो रहा, मुझे चलने में प्रॉब्लम हो रही है, ये मुझे समझ में, पेन नहीं है चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वही उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है ना. हाँ, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है जिसकी वजह से उनको चलने में मुश्किल हो तो रही है. फिजियोथेरेपी नहीं की? हाँ, थेरेपी उन्होंने की है एट द टाइम, एट द स्पॉट, मतलब जब उनका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद वो अगर फिजियोथेरेपी को साथ लेके चलते तो आज उनका ये इश्यू दोबारा नहीं क्रिएट होता. वेल, फिर भी वो इसको प्रिवेंट कर सकते हैं फिजियोथेरेपी से. okay. मतलब डेली अपने साथ में रूटीन में, हाँ रूटीन में प्लस पॉइंट ऐड कर लें, वो 3 टाइम कर लें अगर पूरे डे में उनको जब टाइम मिलता है तो. एक्सरसाइजेज इसमें फ्लेक्शन ऑफ द नी, एक्सटेंशन ऑफ द नी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेज है, जिससे आप अपने नी को स्टेबल दोबारा से कर सकते हैं. जाहिर है आपका बॉडी का सारा वेट जो है वो हमारा कुछ नी पे भी होता है. ठीक है, नी पे ज्यादा होता है. हाँ, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी का वेट नी पे आ रहा होता है, आप स्टैंड कर रहे होते हो, तो नी अगर आपका थोड़ा सा भी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा, पेन होगा, तो जाहिर है आपकी बॉडी डिस्टर्ब होगी. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही. बॉडी डिस्टर्ब होने की वजह से आप मूवमेंट नहीं कर सकोगे, और मूवमेंट नहीं हुई तो जाहिर है आपकी लाइफ डिस्टर्ब है. हमारे इधर मैंने कॉलर भी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम. जी जी, कौन है भाई सर? नाजिया बात कर रही हूँ. जी नाजिया, पूछिए. ये जो डॉक्टर साहब से मशवरा करना था. पूछिए. हेलो. अब जी मेरी प्यारी बहन, आपकी आवाज आ रही है, आप बात कीजिए. कहाँ से कॉल किया आपने? हरिपुर हजारा से. हरिपुर हजारा से. जी, क्या पूछना चाह रही है? शहजाद, मेरी आवाज कम आ रही है जरा, सब देखिएगा. हेलो. बहुत दूर से फोन किया है ना आपने, हरिपुर हजारा, तो मुश्किल गुजारा. चलिए जी, जल्दी से आसान गुजारा कर लें फटाफट, टाइम बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा है. इनका क्वेश्चन ले लें, मेरे ख्याल में ड्रॉप हो गई. इनका सवाल वैसे ले लीजिएगा, कोशिश किया करें आप अपना सवाल लिखवा दें. ठीक है, चले कोई बात नहीं. अच्छा सबात, कुछ ऐसी बात आप करना, क्योंकि टाइम
ओवर हो गया, खत्म हो गया, आप कुछ फिजियोथेरेपी के बारे में खुद कुछ बताना चाहें तो मोस्ट वेलकम। फिजियोथेरेपी एक इट्सेल्फ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इसका हमारी लाइफ में। फिजियोथेरेपी हेल्प टू रिस्टोर एंड रिस्टोर योर मूवमेंट एंड फंक्शन, ठीक है, रिस्टोर करती है हमारी मूवमेंट को, फंक्शन को, और ये हेल्पफुल है हम लोग इससे ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड बाकी हम सब इंडिविजुअल्स के लिए फिजियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं यही कहूँगी कि अगर किसी भी इंसान को अगर कोई भी एक्सीडेंटल इशू है या कुछ भी है, तो आप फिजियोथेरेपी मस्ट आप ख़ुद से भी डॉक्टर से पूछ लें, मशवरा कर लें कि हमें फिजियोथेरेपी रिकमेंड करें या नहीं, क्योंकि फिजियोथेरेपी से ही वो अपनी लाइफ दोबारा से रिगेन करेंगे। तो इसलिए मैं तो फिजियोथेरेपी को ज़्यादा कहूँगी कि रिकमेंड ज़रूर करना चाहिए हर एक डॉक्टर को। क्योंकि चलें जी, थैंक यू सो मच सबात आपके आने का, हेल्थ सेगमेंट को ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक बात कहना चाहूंगी, मुझे डॉक्टर सबात की जो है, हाँ ले लेते हैं कॉल भी, ले लेते हैं। चले हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, कोई बात, आप दोबारा आ गई हैं, पूछें क्या पूछे, डॉक्टर से बात मौजूद है। जी मैं ये मतलब साइनस कॉल का मसला था, तो वो बहुत डर रहता है, तो उसके लिए मुझे मालूम करना था कि क्या करना चाहिए। सवाल समझ आ गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। अब पूछे सवाल कर ले, कैमरा ये ना पूछे, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है आपको? अच्छा, क्या आपका इशू क्या है, आपको लगी थी, क्या हुआ था, एक्सीडेंट है कोई? जी। अच्छा, एक्सीडेंट कितना ड्यूरेशन हो गया, टाइम कितना? तकरीबन 1.5 साल। अच्छा, तो आपने कोई थेरेपी वगैरह करवाई, फिजियोथेरेपी? नहीं, शुरू में हुई थी, उसके बाद तो नहीं। ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं करवाया आपने? नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, उम्र पूछ ली। आपकी एज क्या है? मेरी 38 है, और ड्यूरेशन भी काफी ज्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको प्रिवेंट करेंगे, इट इज प्रिवेंटेबल। तो थ्रू एक्सरसाइजेस हम उसको दोबारा से प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए इनको ब्रिजिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है, और मोडलिटीज की तरफ अगर बात की जाए तो रिड्यूस पेन, ठीक है, मतलब सिर्फ रिड्यूस पेन के लिए हम लोग हॉट पैक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा टेंस है, और आईआर नहीं यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि बैक पेन है ना, तो उसमें अगर हाँ ये होती बिलो 40F से ज्यादा हो जाती तो उनके लिए हम लोग IR यूज कर सकते हैं। ओके सबात, आपका बहुत शुक्रिया, और अगर आप अभी नहीं कराची से गई तो नेक्स्ट मंडे को भी आपको ज्वाइन करवाएंगे और लोगों के क्वेश्चन, और हरिपुर से जिन्होंने कॉल की, और जहाँ जहाँ आप हमारे गुड मॉर्निंग में सभी देख रहे हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही प्रोग्राम हमने क्रिएट किया है, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। चलें जी, हम लोग यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि इसके बाद लगेगा खानों को तड़का। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग विद सभी। गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन है बिल्कुल रेडी, और बड़ी प्यारी बहन मेरी मौजूद है इस वक्त। हमेशा यहाँ पर कुछ न्यू जनरेशन आ रही होती है, लेकिन हम एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स को कैसे भूल सकते हैं, जिनका जो है एक लॉन्ग ड्यूरेशन इस प्रोफेशन के साथ गुजरा हो, 20-30-40 साल तो टू मच। मुसरत काशिफ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मैम? ठीक है, बहुत अच्छा लगा आज आपने हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन किया। चलिए जी, डिश का नाम बताएं और स्टार्ट लेते हैं, ठीक है? आज हम बना रहे हैं इटालियन क्रीमी पास्ता, चिकन पास्ता, व्हिच इज यूजुअली नोन एज टस्कन पास्ता। ओके, इसकी मैंने चिकन की मैरिनेशन की है 200। अच्छा, पहले इंग्रेडिएंट्स बताएं, उसके बाद फिर आप बताएंगे इसमें क्या क्या डालेगा। इसमें मायोनीज, मस्टर्ड पेस्ट, ऐसे कर, पहले डिश का नाम बताएं ताकि फिर आपका क्लिप भी ऐसा बनेगा, बोले इस डिश का नाम ये, फिर इस बताएं। हम आज की हमारी रेसिपी है इटालियन क्रीमी चिकन पास्ता, जिसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे क्रीम, मस्टर्ड पेस्ट, केचप, चीज, बेबी स्पेनिश, बेल पेपर, चेरी टोमेटोस, ब्लैक ऑलिव्स, फ्रेश बेसिल लीफ,
देन चिकन पाउडर, क्रश चिली, ऑलिव ऑयल, ड्राई ओरिगानो, ड्राई बेसिल लीव, पार्सले एंड ब्लैक पेपर, सॉल्ट, बॉइल्ड पास्ता एंड चिकन। क्या बात है भाई, एक ये होती बात। अच्छा, अब इन्होंने पहले से ही मेकिंग की हुई है थोड़ी सी, ताकि हमारे पास, क्योंकि दो घंटा इसको रखना है, तो इसमें क्या क्या डालना है ये बताएं। 200 ग्राम बोनलेस फ्लेक्स पे हमने 1 टीस्पून लेमन जूस, 2.5 ग्राम हमने ब्लैक पेपर, 1 पिंच ओरिगानो, 1 पिंच पार्सले ड्राई ड्राई, देन हमने इसके अंदर चिकन पाउडर 15 ग्राम एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड 15 ग्राम ऑलिव ऑयल। इसको कितनी देर रख लेना? 2 hours एटलीस्ट। अच्छा, ये कम से कम, ये बाउल पूरा ऑयल से फुल था, अब इन्होंने क्योंकि टाइम कम होने, हम लोगों ने इसको पहले से थोड़ा सा हीट अप कर दिया है। हमने 1 टीस्पून फ्राई पैन में लिया है ताकि हम इसे फ्राई कर लें। हल्का करना है क्या? पूरा करना है, फुल फ्राई? 3 to 5 एक साइड होगी, 3 to 5 दूसरी साइड होगी। अच्छा, ऐसा है कुछ? जी, इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर देंगे ऐसे। जी, गुड। और हम यहाँ दूसरी जगह जो है अपना सॉस तैयार करेंगे। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा जी, हमारे दरमियान कोई कॉलर हो तो प्लीज 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 कॉल। अच्छा प्लीज, ये बंद कीजिएगा मेरे कान में। फ्रेश क्रीम, ओके, हम लोग ले रहे हैं 200 ml। सॉस रेडी होने से हमारी रेसिपी जल्दी तैयार हो जाएगी। देन वी विल टेक केचप 1/2 cup या 15 ग्राम आप यूज कर सकते हैं इसे, एंड मस्टर्ड पेस्ट 13 ग्राम यानी 2 टेबलस्पून हम इसको यूज करेंगे। ओके, देन हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम यूज करेंगे 15 ग्राम। ये क्या चीज है? चिकन पाउडर। ओके, चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर 2.5। ओके, इटालियन रेसिपी हमेशा हॉट होती है, इसके फ्लेवर्स हाई होते हैं। really? इसीलिए हम लोग जो है चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल थोड़ी करेंगे। वैसे ही शादियों में इतना खाना वैसे खा चुके हैं, तो अब जो है ना हमारा स्टमक जो है ना वो हो गया। पार्सले यूज किया हमने, सॉल्ट यूज करेंगे इसमें। मजबूरी है फिर, वहाँ खाने खाने पड़ते हैं ना शादियों में तो। नाउ वी विल मिक्स। मेरे व्यूअर्स वहाँ बैठे होंगे, कौन तुम्हारा कोई हाथ जोड़ रहा था, खा लो नहीं खाओ भाई। चले जी, इस वक्त है गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन, और जो है मुझसे काशिप हमारे दरमियान मौजूद है, और डिश का नाम है इटालियन क्रीमी चिकन पास्ता। इटालियन क्रीमी चिकन पास्ता मुझे वैसे बहुत पसंद है। अच्छा, ये मैक्रोनी भी हो सकती है ना? नो, पास्ता ही होगा। नहीं, वैसे अगर हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। परेशान हो गई क्या से मैक्रोनी? यहाँ हम लोग गार्लिक को, चॉप गार्लिक को थोड़ा सा सौते करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आ गए हम लोग। दूसरी तरफ आ जाए ना। ओके डन जी, पूरा किचन आपका, देखे ना यहाँ से। हाँ, विनस टीवी ने इतना बड़ा किचन बनाया, इधर से उधर भागो। जबरदस्त। चले जी, गुड मॉर्निंग विद सभी इस वक्त मौजूद है, गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन, लग रहा है खानों को तड़का, और बन रही है डिश, मजे मजे के खाने, और खाएं हमारे साथ आप लोग भी, घर में भी बनाएं। और बनाने का मकसद यही होता है कि जब फैमिलीज वगैरह हम लोग गेट टुगेदर करते हैं, तो हम चाहते हैं कुछ डिफरेंट। यार हो गया बहुत बिरयानी कोरमा, बस अब जरा सा कुछ तो होना चाहिए। कैप्सिकम को सौते करेंगे जी, हल्का सा सौते करना है शिमला मिर्च को। अच्छा, ये आपने क्यों कहा, ये कौन सा टमाटर है? चेरी टमाटोस। अच्छा, छोटे हैं इसलिए जी। ओके डन। और ये ऑलिव भी डाले? ब्लैक ऑलिव्स, इटालियन इसके बगैर इनकम्प्लीट लगता है। ओए होए होए। अच्छा, ये पिज्जा बैटर था तो फिर तो और भी आउटस्टैंडिंग। तो पिज्जा पता नहीं कब बनेगा। अच्छा जी, ओके। इसके अलावा हम कुछ और भी वेजिटेबल यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक इज बंद गोभी, कैबेज वगैरह? नो नो नो, भी होगा वो क्योंकि मना कर दिया मेरी बहन ने। नो वे, आगे चलो जी। दैट्स गुड, पटाके देखो। नो, अपनी मर्जी। अच्छा, फिश लग रही है माशाल्लाह, कटिंग तो बड़ी आउटस्टैंडिंग मारी। हाँ देखे जरा, बहुत ये देखें, ऐसा लग रही है फिश को नहीं कट लगे होते फिश। अभी जो मौसम आ रहा है चेंज ठंड का, तो हम चाह रहे कुछ होता है, सी फूड भी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए भी वैसे भी। और ये बिल्कुल, ये सौते हो गई जी। अब क्या ये चिकन का, ये तो चिकन, ये चिकन हमने रेडी कर ली है। ओके, मैं रेडी करके लाई थी ताकि यहाँ ताकि ये, अच्छा हाँ, वो गलने में थोड़ा तो ग्रेट हो जी। ये लो, ये हम इसमें डालेंगे जबरदस्त। लेकिन ये सिर्फ पकाना है आपने?
जी जी ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन में आना है, प्रेजेंटेशन में छोड़ना नहीं है, हम इसको देखेंगे क्या। हो गया जबरदस्त, हो गया काम, प्रोसीजर रुकी ना ना कुकीज का इसलिए। अच्छा ऑयल का मसाले तो आपने बहुत जैसे बहुत कम इस्तेमाल किया है, बिकॉज ऑयल ऊपर आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हमारी पसंदीदा डिश नहीं ले ना, पसंदीदा डिश हो जाएगी जी बिल्कुल, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन को भी देखना होता है, इसमें हमारा प्रोटीन है, हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, देखें क्रीम चीज। अच्छा एक और बात है मुसरत, इसमें मैं ये कहूंगी कि जो बच्चे वगैरह जो खाना खाते हैं जी उनको न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा अच्छी मिल जाएंगी जी, प्रोटीन मिल जाएगा उन्हें चिकन में, देन उन्हें आयरन मिल जाएगा, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा हमने क्या क्या डाला है इसमें। माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस देखे बोल रहे हैं ना, इतने लोगों का ऐसे कहना बड़ा नॉट इजी जॉब। ये हम लोग इसमें okay, करेंगे क्या बोलेंगे आप इसे? सॉस, सॉस मैं तो ये देखिए जल ना जाए। नहीं नहीं 3 to 5 मिनट ये लेगा। ओके 160 सेल्सियस पे 180 पे जो है ये 3 to 5 मिनट में हो जाएगी दोनों साइड। चिकन तो वैसे ही जल्दी हो जाती है। डन हो गया। ओके और सॉस के साथ उन्होंने शिमला मिर्च एंड चिकन को ऑलमोस्ट मिक्स कर चुके थे, उसे पका चुके थे और कुक कर लिया उन्होंने, इसलिए कि आगे टाइम को इन्होंने जो है सेव किया। और जी खुशबू भी बड़ी प्यारी, वैसे इसकी भी बड़ी प्यारी आ रही है खुशबू। थैंक यू जी। राइट भाई कैमरे पे हैं, राइट भाई खुशबू आ रही है? आ रही आ रही, हम मुस्कुरा रहे हैं, आ रही है, बोल नहीं सकते ना, बोल मजबूरी है उनकी, क्या करें। अब सिमरिंग प्रोसेस शुरू हुआ है हमारा, हम इसमें बेबी स्पेनिश अपनी फेवरेट डालेंगे। ओके देन हम अपने हाफ चीज ले लेंगे, चीज ओह माय गॉड मिक्स चीज है ये फेवरेट, यार चीज तो इंसान को मोटा कर देती है सभी, तो इसीलिए कम इस्तेमाल किया है क्योंकि रिक्वायरमेंट है इटालियन डिश में, रिक्वायरमेंट है। देखना नहीं मुझे अच्छा जी जी बिल्कुल यार, फेवरेट चीज हो ना, मतलब चीज हो पसंदीदा आपकी तो छोड़ना नहीं चाहिए। ये देखिए इट्स डन। क्या क्या आप इसको चाहिए बहन, पूरा मेरा स्टूडियो में आग लग जाएगी। चूल्हा बंद, डन हो गया। ओके इसको फ्लेम ऊपर करना है शादी? नहीं नहीं जल जाए okay. क्योंकि हम इतने जल्दी तेज को, जब तक हमारी सारी चीजें पूरे मुंह में मिक्स फ्लेवर आ गया। चेरी टमाटोस, ओके चेरी टमाटोस, छोटे छोटे टमाटर ले लेना भाई, ये हो गया हमारे ऑलिव ऑयल। बाप रे बाप, बस हम 2 मिनट के लिए इसको फाइनल। अच्छा फेस से ऐसा लग रहा है कि फीका सा होगा, लेकिन उन्होंने खूब दबा के मिर्च डाल दी, काली मिर्च है, कुटी मिर्च है। अगर मैं लाइट मसाला रखूंगी तो ये कॉन्टिनेंटल कुजीन की तरफ आ जाएगा, ये भी एक वजह है। इसके स्पाइस सीख ही जाऊंगी कुछ ना कुछ। नाउ द फाइनल टच, नाउ द फाइनल टच, कच मच हो गया ये तो, ये एक बेचारे पत्ता रह गया ये विराट। देखिए जी गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन है, और अगर हमारे दरमियान कॉलर हैं तो, क्योंकि हमारे प्यारी सी बहन आई हुई है तो कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सभी, कैसी हो? उमैरा बाजी बात कर रही हूं। अरे बाप रे बाप, उमैरा पहला शो मैंने तुम्हारे साथ कुकिंग की थी, भूल गई? याद है? भूल नहीं गई। आज तुम्हारा शो मैंने प्रॉपर देखा है, बहुत मजे का, जबरदस्त फिजियोथेरेपिस्ट, और मैंने पूरा शो देखा है, बहुत जबरदस्त। थैंक यू। आज की डिश देख रही हूँ मैं कुकिंग सेगमेंट में। अरे ये तो मेरी प्यारी मुसर्रत आई हुई है, इसको मैं ना देखूं? वही मैं बोलूं, मुसर्रत काजी मेरे साथ है और इन्होंने वाकई में बहुत जबरदस्त डिश बनाई है, नो डाउट। नहीं नहीं जबरदस्त साबी, तुम्हारे साथ जो है ना बहुत मजा आता। मैंने मुसर्रत से यही कहा था, साबी के साथ तुम देखना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम किसी होस्ट के साथ हो। एग्जैक्टली किसी होस्ट के में होस्ट नहीं लगते तुम्हें। बहुत प्यारा, जबरदस्त, जीती रहो, खुश रहो, बहुत कामयाबी। खुश रहो, आप भी बहुत खुश रहो। और फिर आ रहे हो ना तुम जी? आ रहे हैं जी, आ जाए आप, आ जाए पहले, शादी आपने अटेंड करनी है हमारे बेटे की। ओके उसका नाम क्या है? हमजा। हमजा कॉन्ग्रेचुलेशन, एक तुम नई जिंदगी का सफर शुरू करने वाले हो मेरे शहजादे, अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे। हम तुम्हारी पुप्पी खाला रिश्तों में लगते हैं और बहन लगते हैं जो भी तुम समझो, और बहुत सारी ढेरों दुआएं, अल्लाह तुम्हारी नया सफर जो जिंदगी का शुरू हो वो बहुत ही सक्सेसफुल हो और बहुत ही जो खुशी से गुजरे, और अल्लाह पाक तुम्हें 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5 कर दे, आमीन सुम्मा। बहुत सारी दुआएं, ढेरों दुआएं। चले जी ये है मोहब्बतें सबकी लाइव कॉलर माइदर मैन उमेरा नाज चीज हार्बलिस मौजूद थी और अप्रिशिएट कर रही थी मुसर्रत काशिप को, और बेहतरीन उन्होंने डिश बनाई हमारी गपशप में, माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत कुछ कर लिया।
और जी सिस्टर बताइए व्हाट आर यू डूइंग? फाइनल प्रेजेंटेशन। ओके, फाइनल टच मार है ये। यस। ओके, इसको हम कुछ लीव्स वगैरह, अच्छा इधर ले आए हम बेजल लीव्स। अच्छा, अब आपने जो इधर रख लिया उसके ऊपर जो डालना है मेरी प्यारी बहन, जो इजी है, इजी है, कोई टेंशन नहीं। अब आ जाओ इस साइड, आ जाओ आप, आराम से कर लो, कोई टेंशन नहीं। हमने इसलिए, और ये हो गया है फाइनल टच। अल्हम्दुलिल्लाह, हो गया डन। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। और थोड़े से और डाल दो जरा सा और भी खूबसूरत, बाद में उतार लेंगे ना। चले जी, ये हो गई है। आप बताएं सर, कैसा लगा आपको यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इंजॉय किया, लग ही नहीं रहा था कि कहीं आई भी हूँ, ऐसा अपना किचन जैसा लग रहा था। नहीं, अच्छी बात है ना, और आपने लोगों को सिखाया और अच्छी बात है। इंशाल्लाह फिर हम आपको मौका देंगे। जी नाज़रीन, ये इनकी डिश हो गई है रेडी, और यहाँ लेंगे हम छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, कैसे हैं आप लोग? अगेन 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 अगेन, और है ये है ब्यूटी सेगमेंट, और इसे बंद कर दे शिजाद भाई, ठीक है? ये है ब्यूटी सेगमेंट, गुड मॉर्निंग विद सभी अगेन आपके पास आ चुकी है, और बात हो रही है यहाँ पर, देख ले जरा, रंगीनियां चाहिए, और मेरा वो जो है ना, वो जिसमें फूल खिलने लगे जगमगाए ये जहां, रात रुखसत हुई आ गई फिर सुबह, क्या हसी है समा देखती हूँ जहाँ। जी हाँ, ये वो समा है इस वक्त, जहाँ जहाँ देखती हूँ कलरफुल और जबरदस्त, यहाँ पर मॉडल्स भी मौजूद है और ब्यूटिशियन, थैंक्स फॉर पीबीआई ऑर्गेनाइजेशन, जो बेहतरीन ब्यूटिशियन जिनका काम है वो उनको रेकमेंड कर रहे हैं, और वो ब्यूटिशियन जो बहुत टैलेंटेड है आगे आना चाहती हैं उनके लिए है पीबीआई का प्लेटफॉर्म, और गुड मॉर्निंग विद सभी जो है वो उनको प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है? और अब जो है आज माशाल्लाह तीन दिन ब्यूटिशियन मौजूद है, वन बाय वन उनका हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं। मेरे पास जो है इस वक्त ये ब्लैक बुरके में, और एक बात बताऊं आपकी, इन चीजों से कुछ नहीं होता, आपका टैलेंट होना चाहिए। जी हाँ, महनाज मौजूद हैं उस नाज सैलून से। अस्सलाम वालेकुम महनाज, कैसे हैं? आते ही धड़ाधड़ शुरू, ये देखे टाइम कम है इसलिए उन्होंने कहा जल्दी जल्दी। महनाज जरा से दो मिनट मुझे दे देना, थोड़ी सी बात कर ले हम आपके साथ। कैसे हैं आप? ठीक है? और यहाँ आना कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हाय हाय अल्लाह, अच्छा ये घबरा रही है, थोड़ी ठंडी बर्फ हो गई है मेरी प्यारी बहन, हाथ लाना। ये है महनाज मेरी प्यारी बहन, और बहुत प्यारा काम करती है, ठीक है? गुड, स्टार्ट लेते हैं, चलें जी। अच्छा जी, दूसरी साइड पर मेरी बड़ी सी प्यारी सी बहन आयशा रिजवान। अस्सलाम वालेकुम आयशा, हाउ आर यू? कैसे हो? मजे से? क्या ब्राइट बना रही हो? कौन सी बारात? बारात की है? वलीमा? दोनों वलीमा वलीमा, ये देखो दोनों ने आज कॉम्पिटिशन मार दिया, लेकिन कॉम्पिटिशन नहीं है, दोनों बहुत प्यारा काम करती है। अच्छा जी, आइए बताएं आयशा, यहाँ पर आना कैसा लगा आपको मानूर सैलून से? जी आप कैसा लगा? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है, गुड गुड। कभी सोचा था नहीं आपको? पता है पीबीआई में आके सोचा? अरे बाप रे बाप, पीबीआई इज जिंदाबाद, और यहाँ पर बहुत सारी ब्यूटिशियंस वहाँ पे बैठी हुई हैं, वो भी यहाँ पर आ सकती हैं। हम आपके टैलेंट को इसीलिए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आगे प्रमोट करते हैं। अभी आयशा को और जो है इस वक्त महनाज को बहुत सारी ब्यूटिशियंस भी देख रही होंगे, इनकी फैमिलीज के लोग भी, और इनके इर्द गिर्द जितने भी इस वक्त क्लाइंट है। पैसे बढ़ा लेना भाई, स्क्रीन पर आइए, पैसे बढ़ा दे। अच्छा जी, मेरे राइट हैंड पे बहुत ही प्यारी, मेरे बहुत सारे शोज में दो तीन बार आ चुकी हैं, और मुझे इनका काम बहुत पसंद है, इसीलिए मैं चाहती हूँ आज हम लोग आपको फर्स्ट स्टेप बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। हिना कोमल फ्रॉम एच के सैलून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हिना कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने प्यारे प्यारे स्टाइल बनाती हो, और फिर मैं मजबूर हो जाती हूँ, हिना दोबारा आ जाओ, हिना दोबारा आ जाओ। चलिए जी, वी विल स्टार्ट, बताएं जी हिना कैसे आज क्या करना है ये बताओ। एक तो ये पहले मैंने है फ्रंट वेव्स हैं और विद रोज फ्लावर। अच्छा ठीक है, रोज फ्लावर, और आज मैं बनाऊंगी लेयर्स ब्रेड, मगर ये कि ऐसा लगेगा जैसे ब्लू ड्राई। यानी जो आपने स्टाइल बनाया ना, वो आपने बिल्कुल एक कैमरे से अपोजिट, इसको उस साइड घुमा के दिखाएं, ये कौन सा, फिर दूसरी साइड बनाओ। मैंने ये लेयर ब्रेड बनाई है, ये ऐसा लगेगा जैसे मैंने पूरा ब्लू ड्राई किया है विदाउट ब्लू ड्राई। अरे घुमाओ ना कैमरा, आपको नहीं आ रहा ना, सुनो ऐसे, गुड है गुड है। अच्छा जी ओके, ये देखिए अभी मैं दूसरी साइड पे भी यही बनाऊंगी, लेयर ब्रेड बनाई है मैंने, जब मैं इसको उठाऊंगी तो ऐसा लगेगा जैसे मैंने ब्लू ड्राई किया है विदाउट ब्लू ड्राई। ओके, अब आया स्क्रीन पर, आ गया आ गया। अच्छा ये क्या स्टाइल है, दोबारा बताएगा? ये विदाउट ब्लू ड्राई है।
विदाउट ब्लू ड्राई। लेकिन ये लुक जो देगा वो ब्लू ड्राई का ही देगा, ये ब्राइडल हेयर स्टाइल है। यानी कि जो उस साइड बनाया अब वो इस साइड, अब वो मैं इस साइड बनाऊंगी। अच्छा ठीक, अब इसे आप बनाना शुरू करें तो उस साइड घुमा देते हैं हम, क्योंकि कैमरा उस साइड है। जब देख लिया हमारे नाजरीन ने, गुड, अब हम कहाँ से स्टार्ट करें? अच्छा ऊपर हल्का सा पफ और जुड़ा आपने। अच्छा मैंने पहले जो है, नहीं नजर नहीं आएगा मेरा शहजादा, नजर नहीं आएगा। ओके डन। अच्छा आप इस साइड हो जाओ ऐसे। ओके ये हो गया, गुड है। ओके डन हो गया भाई, कुछ फिक्स हो गया, बेहतरीन। तो ये बनाएंगी तो फिर कैसे बनाएंगे, वो नजर नहीं आएगा। यहाँ से बनाऊंगी, यहाँ से बनाएंगी। देखिए ओके, मुझे जरा स्क्रीन दिखाए तभी मैं देखूँ। ओके स्क्रीन पर मेंशन होगा ना तो मुझे नजर आएगा कि स्क्रीन पर आ रहा है कि नहीं। जी बॉक्स सेक्शन में मैंने एक सेक्शन निकाला आईब्रो की आर्च टू आर्च पे, कि मैंने जो पीछे एक पोनी बना दी उसके ऊपर डोनट फिक्स कर दिया, हाइट दी थी ताकि मैं दुपट्टा उसके ऊपर फिक्स कर सकूं। ओहो चलिए जी स्टार्ट लो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा स्टेप लेंगे हम? सबसे पहले इधर से मैंने एक लेयर ली। ओके और इसकी मैं ब्रेड बनाऊंगी सिंपल। अच्छा ओके। अच्छा आप स्क्रीन पे जरा कम ही है, आप ऐसे हैं तो कि हम नाज़रीन को दिखा सकें। ये माशाल्लाह सही बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। और हिना तुम्हारे ये फिंगर जब देखती हूँ मुझे याद आ जाती हो तुम। लेकिन हिना ने अपने कभी भी ये जो इनकी फिंगर्स मौजूद नहीं है, कट गई हैं जो भी है, उन्होंने कभी भी इस चीज को अपने रुकावट नहीं समझा। अच्छा पैदाइशी है, पैदाइशी वो तो नहीं चांद किरण लग गया? चांद किरण में कहते हैं। अरे यार क्या था, मम्मा को क्या काट दिया उन्होंने? चले चले कोई बात। अच्छा, लेकिन आपने इसको रुकावट तो नहीं बनाया ना? नहीं, नहीं। चले जी आगे। अब मैं लेयर लेती जा रही हूँ साइड में पूरी पूरी। इसे फ्रेंच भी कहते हैं हम लोग? हाफ फ्रेंच है, हाफ फ्रेंच की तरह। फ्रेंच की तरह, फ्रेंच की तरह ही है ये। क्या बात है भाई, नहीं हमारे नाजिन ये ना कहे मैं हम लोग सिखाते नहीं। देखे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये घर में भी लड़कियाँ जो है अपनी पार्टी वगैरह जैसे शादी में जाना है वो एक सिस्टर्स के बना सकती है। ओके और लेना। यस यार ये सही है, डमी वाले बाल, किसी के बाल नोच हो नहीं। अच्छा मैं रखूंगी टेढ़ा ताकि जब मैं इसको ऊपर उठाऊं तो थोड़ा सी लूज आ जाए, मैसी लुक आ जाए, मैसी लुक आ जाए। जी आप हमें कॉल कर सकते हैं ना, कोमल और आयशा रिजवान एंड मेहनाज मौजूद है, और मैं उनकी तरफ भी चलूंगी। लेकिन पहले मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा इसी तरह बनते रहेगा, केक मारते रहेगा। हम चलते हैं मेहनाज की तरफ, कैमरा अगर उनका फिक्स चेहरा के ऊपर कर ले जब तक इसी को भी रखिएगा और उसको फिक्सिंग कर ले, ताकि हम उनके चेहरे की तरफ चलते हैं, फिर उनकी तरफ इसके बाद ओवर टू वहां जाएंगे और साथ साथ इनको भी हम देख लें। और अगर कोई कॉल है तो प्लीज हमें कॉल भी दीजिएगा। मैं चलती हूँ मेहनाज की तरफ, हो गया उनकी तरफ फिक्सिंग, हो गया इनका चेहरा, ये ना टाइम वेस्ट ना होना। तो मैं चाह रही हूँ उन दोनों का ये पिंक कौन सा कलर है इन्होंने पहना हुआ? पिंक एंड गोल्ड। चले जी, और मेहनाज कहाँ तक पहुँचा आपका मेकअप? अल्हम्दुलिल्लाह सारा कवर कर दिया मैंने आईज मेकअप के। ओके ठीक है, हम लोग नाज़रीन इस साइड आ गए। हम चाहेंगे मेहनाज का जरा सा जी बेस तो बड़ा स्मूथ टच लगा है, और आज मुझे मेहनाज ने तैयार किया है हेयर स्टाइल कोमल ने बनाए और मेकअप जो है मेहनाज ने बहुत सॉफ्ट टच, बहुत प्यारा रखा है। अच्छा जी बेस बड़ा प्यारा लगाया आपने, क्या मतलब पहले क्या प्राइमर जैसे आप लोग लगाते हो वही? जी प्राइमर लगाया, प्राइमर के बाद जो है ना बेस लगाई। ओके डार्क सर्कल उनको कवर किया। अच्छा ये बहुत जरूरी होता जी है। ओके और फिर उसके बाद जो है मिक्सचर बना के आपको देखने के सामने क्या कह रहे हैं ब्राइड को किस तरह की लुक चाहिए, नेचुरल में या ओवर चाहिए? गुड है, लेकिन मेरा यही काम है मैं नेचुरल लुक पर ही काम। चले जी जी नेचर बिल्कुल कुदरती जैसे कहते हैं ना बिल्कुल नेचुरली नजर आ रहा है ऐसे। अच्छा साथ साथ तीनों कैमरे सब जगह फिक्स हो, मैं किसी वक्त किसी को ओवर कर सकती हूँ, आप ले मैं फिर उसके बाद जाती हूँ, पहले आप लगाए। यस मैं देख रही हूँ और हमारी नाज़रीन भी देख रहे हैं। यस क्लोजअप में इनका जरा फिक्स रखिएगा, मैं चाहती हूँ तीनों कैमरे पे तीनों मॉडल्स जो भी एक वो स्टाइल है इनका मेकओवर है इनका, ये जरा फिर स्विचिंग में सिर्फ चले ना तो ज्यादा अच्छा है। ये आईलाइनर लग रहा है जबरदस्त। अच्छा जैसे जैसे मेहनाज हम लोग एक एक स्टेप लगाते रहते हैं बंदा का चेहरा जो है ना वो निखरता रहता है, ऐसा है कि नहीं? जी बिल्कुल क्लियर, बहुत अच्छा। मैंने एक और चीज देख ली मेहनाज के मेकओवर बहुत सॉफ्ट ऐसा जी, आजकल जो बहुत चल रहा है भाई। चले चले लगाए, हम आपको देख रहे हैं और नाज़रीन सीख रहे हैं, सो जितनी ब्यूटीशियन वहां पे बैठी हुई हैं। और मैम मुझे 5 हेयर्स हो गए, मैं काम कर रही हूँ 5 साल हो गए इनको, फर्स्ट टाइम मैं इतनी बड़ी शो में आई हूँ। अरे अल्लाह, और जो आपने हमें आने का मौका दिया कोई बात नहीं। अच्छा एक बात मैंने देखी, मेहनाज ने ये भी मुझे बताया था, साथ ये भी देखते रहे आप लोग,
मेनाज को परमिशन नहीं थी और इनकी फैमिली में जो इन्होंने डिस्कस किया उन्होंने कहा सिर्फ एक डॉक्टर है और एक ये है ना जी, और इनकी परमिशन नहीं है इनकी फैमिलीज में, और हमने कहा कोई मसला नहीं, आपका टैलेंट है आप जरूर आए, तो देन पीबीआई का इन्होंने जो है ज्वाइन किया कि हम दिल से शुक्रगुजार हैं जो हम जैसे मिडिल क्लास आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कहते आप लोगों की, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों का काम आप लोगों नहीं हमें याद, नहीं नहीं अच्छी बात है अच्छी, नहीं नहीं अल्लाह पाक आप लोगों को और कामयाबी, चले जी हम और साइड पे चलते हैं, और ये इनकी दुआएं हैं और ये है इस वक्त हमारे दरमियान आयशा रिजवान फ्रॉम मानूस सलोन से, और इन्होंने भी अच्छा आजकल ये थोड़े हार्श कलर बंद कर दिए, बहुत ब्राइडल मैंने देखा बहुत सॉफ्ट टच, कल भी मैंने भतीजी के सामने पीच कलर बहुत लाइट सा बहुत प्यारा सा लग रहा था, और ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, और ये भी इन्होंने पर्पल एंड ग्रे कुछ थीम है इसके अंदर, ऐसा ही है ना बहुत प्यारा सॉफ्ट है, और हम क्लोज में देखें इनका भी काम तो तीखे ने नक्शे कर देते हैं आप लोग, ऐसे ही कसम खुदा की रात को मैं सोच रही हूँ वो कल इस बात पे चौक हो रहा था शादी में कहाँ गई हमारी वो रात वाली दुल्हन, सुबह तो जब बुध हो लिया, खुदा के लिए ये जो ब्यूटिशियन सलोन्स वाली है ना ये सारी चेंज कर देती हैं, और ब्राइड जो होती है ना नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बड़ी प्यारी बच्चियाँ हैं हमारी और काफी बेहतर। अच्छा ये आपने यहाँ पर जरा सा इसका ग्लिटर ये शिमर बहुत प्यारा लग रहा है, आइस पन करें वो हो नहीं नहीं अच्छा लग रहा है बहुत प्यारा, आप इस करें आप यूज करें थोड़ा लाइव शो में कंफ्यूजन, ओह माय गॉड ये जी ये इनको वो दे रही, क्या दे रही हैं आप इनको, फेस कट, ये कट ऐसा हमारे हमारे को यूं कट कर दिया उन्होंने, इन्होंने यूं कट कर दिया, आउटस्टैंडिंग मॉडल भी आपने सेलेक्ट बहुत अच्छी की और बहुत प्यारा माशाल्लाह। चले जी हम इसको थोड़ा बताया तो आपने है नहीं हमसे बात ही नहीं कर रही हैं आप, कंफ्यूज हैं क्या आप, बताया आपका आपने स्टाइल बड़ा प्यारा बनाया, आपने सबसे पहले क्या कुछ चेंज बताएं कि क्या ऐसे चीज आपको लगी कि यार ये चेंज मुझे करना चाहिए, बताएं आप बताओ ना आप बताओ थोड़ा सा बताएं, बहुत अच्छा किया इसलिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी, मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, इतनी सादगी अच्छी रही लड़की, इतनी सादगी अच्छी रही, पर आज सैलून तुम्हारा है बंद हो जाएगा। चलिए जी हम लोग चलते हैं, ओ माय गॉड हिना कोमल की तरफ, ये है हिना कोमल, और हिना कोमल ने कहा तक पहुंचाया, अब मैं पूरे उसमें घूम रही हूँ अल्लाह खैर करे, अब मैं इसको यहाँ से आगे करूंगी, इसको यूं करके उठाऊंगी, ओके आप उधर से उठाएंगी तो फिर ये लिया करेंगी, ओके दोबारा बताइएगा कि दोबारा छोड़िएगा, अच्छा जी नाजिम जो मैंने बनाई थी क्लोजर जो मैंने लेयर बनाई थी इसको मैं यूं उठाऊंगी तो ये मैं इसके साथ में डोनट के साथ लगा दूंगी, वाओ अब इसको क्या करूंगी, इसको मैं लेके आऊंगी आगे और इसको यूं कर दूंगी, अच्छा ओके डन ठीक है ठीक है, और ये जो निकल है इसको मैं पिनअप कर दूंगी नीचे से फोल्ड करके, ओके ये फोल्ड किया मैंने इसको यूं ले आई, ओके वाह भाई वाह जबरदस्त, क्लोज करें ना इसे जरा सा स्क्रीन पर, ओके डन है दैट्स गुड, अब मैं फ्रंट बनाऊंगी आगे का, अच्छा अभी फ्रंट बने इसको घुमा ले मुंह पे डमी को, चलो मुन्ना इधर जाओ ओके डन इट, ताकि ना वो हमारे नाज़रीन इसको सही तरह देख सके, ये पहले से आपने बनाया हुआ था वो आपने सिखाया, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं हम आपको बताने की सिखाने की, और मेरे हाथ में एक चप्पल ये डमी देखो, ओ हो हो ये देखें जी नाज़रीन इसके सामने लाके दिखाते हैं, ये कौन सा स्टाइल है शहजादी, ये फ्रंट वेव विद रोज फ्लावर, ओह माय गॉड ये कब सिखा रही हैं ये, इंशाल्लाह बहुत जल्दी, इतनी होशियार है ये ना, एक क्या करती है हम लोग एक चीज सीखते हैं अगले का मजा लगा के चली जाती है, और ये आगे से भी बड़ा प्यारा है, ये ब्राइड के साथ तो बहुत ही क्यूट लगेगा, पार्टी के साथ भी बहुत खूबसूरत लगेगा, अभी अगली बारी इतनी बहुत चलाक लगती है बहुत प्यारी है मेरी प्यारी बहन, और ये ऐसे मजा लगा के जाती है कि भाई अगली बार फिर देखे जी सभी बाजी मुझे याद करे, और फिर मैं ये जो हमने रोज लगा दिया इसको, और रोज रोज आना चाहती है रोज रोज लगा लगा के, बिल्कुल हम चाहते हैं आप लोग सीखे, अच्छा जी अब क्या करना है इसको, अब मैं आगे फ्रंट बना रही हूं, क्लोज में इसको फोकस कीजिएगा, ये अब बता रही है क्या करना, चले आप बताएं साथ साथ बात करें, इसको स्ट्रेट करूंगी और यहाँ से मैं फोल्ड करती हुई नीचे ले आऊंगी तो हमारा ये पफ बन जाएगा, ओके अच्छा फेस के अकॉर्डिंग हम लोग पफ करते हैं, मेरी आवाज नहीं आ रही तो मुझे कैसे पता चलेगा कॉल, हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सभी मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसमें से क्यों नहीं आवाज, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं देख रही हूँ आपका प्रोग्राम, और
मैडम आई हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं भी आपके प्रोग्राम में आना चाहती हूँ, तो अच्छा। कैसे आ सकती हूँ मैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जवेरिया। जवेरिया कहाँ से कॉल की? कराची से। कराची से, तो स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है 03158248704, इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा और मॉर्निंग शो में आ जाइएगा। थैंक यू मैम। कोई पेमेंट करनी हो रही? नहीं नहीं, नो चार्जेस, नो चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट। डोंट बी वरी, थैंक यू मैम। काम अच्छा होना चाहिए, ठीक है? ओके, थैंक यू। चले जी, कोई चार्जेस नहीं है, आप ऐसे ही इस ब्यूटी सेगमेंट का हिस्सा बन सकती हैं और अपने काम को ऐसा लेकर आए कि लोग आपके काम से इंस्पायर भी हों और आपके काम को हम यहाँ शेयर करें और भी सीख सकें। हमारा फोकस ये है कि आपके काम को देख के कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ होती है, शायद ब्यूटिशियन है उसको, उनको सीखने का एक मौका बेहतरीन मिलेगा। जी हिना, चुप क्यों है हिना? कम्प्लीट ओके। अच्छा ये हेयर स्टाइल, चले ये पर्सनल बात हो जाएगी लेकिन अल्लाह स्क्रीन पर था, इसको कुछ बीट्स वीट्स लगाएं तरह ये और हसीन हो जाएगा। इसमें इतने ब्लू ड्राइव है कि बीट्स लगाने की इसमें जरूरत ही नहीं है। ओके, नहीं, इसमें सिर्फ दुपट्टा वेयर करेंगी। अच्छा तो दुपट्टा क्यों नहीं लाए हो? लाए हो? अरे वाह, लाल चुनरिया उमर खुदाया, अब मजा आएगा ना इसके ऊपर। कुछ किरण वाला दुपट्टा लाना था ना, ये कैसा दुपट्टा ला? चले खैर, इसको परिकरण मार दी इन्होंने, ये इना कोमल नहीं जुगाड़। ये देखें जी, बहुत प्यारी लग रही है, नो डाउट अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, बेहतरीन। इना कोमल ने जो इस वक्त एच के सलून से हैं, हेयर स्टाइल बनाया है और टीका भी लगा रही हैं और इस स्टाइल का नाम है लियर, लियर ब्रेड। ओके, जो इन्होंने बोला है वो ही है। लियर वियर। अच्छा, लियर है, कुछ लियर वियर है और हम पानी पी लें और ये तो चले जी, कुछ आप लोग भी बता दें हमें। अच्छा ये मुझे ऐसा लगता, अच्छा इनकी जरा सी कंफ्यूजन है और कुछ भी नहीं है कि वो बोलते हुए हेजिटेट हो रही है और कुछ नहीं। मैम मेरा तो बस अब शिमर का काम रहता है। काम, अरे कर ले भाई, शिमर का काम भी कर ले। और जी कॉल अगर है तो प्लीज हमें फौरन दे दें। कोमल ये बताओ जी, ये जब आप इतना फोकस, आपका हेयर स्टाइल, वैसे तो आप ब्राइडल मेकअप भी करते हो, ये आप हेयर स्टाइल का शौक कैसे पैदा हुआ? मुझे क्रिएटिविटी करने का बहुत शौक है। मैं जैसे मेहंदी भी लगाती हूं, घर के स्टाइल भी करती हूं। तो हां डन है, बैठो ऐसे ताकि आप भी आ जाओगे, ठीक है? आई नहीं, इस साइड कर, नहीं उधर ही बैठो, इसको इधर कर लो आप, मेरा सोना ऐसे ऐसे बॉक्स को आगे करो, ऐसे ऐसा बैठो। हां आप बताओ। मुझे दरअसल क्रिएटिविटी करने का बहुत शौक है, घर में भी मैं जो है मुख्तलिफ चीजें बनाती रहती हूँ, मेहंदी लगाती रहती हूँ, कोई जो ज्वेलरी बॉक्स होता है वो बनाती रहती हूँ। तो ये बैठी आप मुझसे बात करो, नहीं नहीं आप मुझसे बात करो। अच्छा तो मैंने सवाल किया तो मुझसे बात करो। मेहंदी वगैरह भी लगाती रहती हूँ, तो शौक है डिजाइनिंग का, डिजाइनिंग का बहुत शौक है। Really? Yani creation, आप क्रिएटिविटी करते करते तो कितने सारे बच्चों को भी सिखाया होगा। ऑफ कोर्स जी, अभी क्लासेस चल रही है मेरी, क्लासेस मैंने ली हैं, क्लासेस देती रहती हूँ, घर पर तक आती हैं सीखने के लिए। नहीं नहीं अच्छा ना, लड़कियां जब ऐसे देखेंगी तो सीखेंगी ना। हमारे इधर में कॉलर है क्या? हेलो हेलो हेलो, कहाँ है? अटेंशन प्लीज जी, मेहनाज एंड महानूर, महनाज एंड महानूर, आयशा, आयशा रिजवान जी, आयशा रिजवान, महनाज कहाँ तक? कुछ आयशा रिजवान डन हो गया? थोड़ा सा, अब थोड़ा थोड़ा कितना रह गया भाई? बस हो गया बस। जी आपकी प्रेजेंटेशन को भी तो दिखाना है कि नहीं? बस हो गया। जबरदस्त। ये हमारे साथ इस वक्त, मैं चैनल गुड मॉर्निंग विद सभी में आप लोग मौजूद है इस वक्त और है ये ब्यूटी सेगमेंट और हमने आज ना कॉमर्स से जो है एक स्टाइल भी सीखा और स्पेशली आपको फिर मैं अनाउंस कर दूँ कि पीबीआई एंड कैरलॉन एक मास्टर क्लास लेकर आ रहे हैं, इसमें आप ब्यूटी वर्कशॉप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 21 दिसंबर को ये होने जा रही है और अगर आप इसका पास लेना चाहें तो नंबर है 03442069902 एंड 03158248704। और मैं आहिस्ते से भी बता दूँ, वैसे नंबर स्क्रीन पर भी मौजूद है, आप इन नंबर पर कॉल करके आप जो है वो पास ले सकते हैं और ब्यूटी वर्कशॉप अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप पीबीआई का हिस्सा भी बने तो आप मॉर्निंग शो में भी आ सकते हैं। बहुत इजीएस्ट, हम चाहते हैं कि
हमारी वो ब्यूटिशियंस जो चाहे एक रूम में क्यों ना हो लेकिन आपका काम अच्छा हो तो देन आप ब्यूटी सेगमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। चले जी हिना कोमल की तरफ चलते हैं। हिना एक बात बताएं, कितने साल हो गए काम करते हुए? मुझे 4-5 साल हो रहे हैं। और तेरी खैर हो, 4-5 साल में इतना बेहतरीन काम प्रेजेंट किया। अच्छा इंसान को जो पैशन होता है ना, शौक होता है, तो वो करते रहती हूँ, प्रैक्टिस करती रहती हूँ, नए मतलब डिजाइन बनाती ही रहती हूँ, खुद से भी क्रिएट खुद से क्रिएट कर रही हूँ। आजकल तो नेट पे बहुत इजी है लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ मिसिंग कर देते हैं। अच्छा, तो हम नहीं सीख पाते उसमें से। बड़े होशियार नहीं यानी कि आप लोग फंस जाते हो कहीं ना कहीं यार, यहां पर ये गलत, तो इसमें वो नहीं देते ना, हमें पूरा नहीं देते लोग अपना। तो आप भी ऐसा कुछ अपना यूट्यूब चैनल बना लें जिससे लोगों को सिखाएं, फिर आप भी कुछ छोड़ देंगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो खुद सिखाती हूँ, खुद इतना टाइम होता है यूट्यूब बनाओ तो हमारा तो काम ही यही ना कि बिल्कुल चीजें जो टेक्निक्स होती हैं वो बताएं हम। बेहतरीन बेहतरीन, हमारी कोशिश होगी, कोशिश होगी कि एक बेहतरीन, हम लोग तो बीबीआई तो डिफरेंट क्लासेस करवाते रहते हैं, तो आपके भी कुछ अच्छी सी प्रेजेंटेशन लेकर आए हम लोग स्टेज के ऊपर और लड़कियां सीखें, मुझे बहुत खुशी होगी। यू आर वेरी टैलेंटेड एंड डिजर्विंग लेडी। और जी आप लोग भी टैलेंटेड हैं लेकिन आप लोग सिर्फ हेजिटेट हो रहे हैं कि हम कैसे जाएं गुड मॉर्निंग विद सभी में, पता नहीं क्या होगा, हमें से क्या पूछा जाएगा हम लोगों से, तो वो देख लें भाई इनसे कुछ नहीं पूछा जा रहा, वो खुद कंफ्यूज हो रही है तो हम कुछ पूछ ही नहीं पा रहे लेकिन काम अच्छा है। हमारे इधर मैंने कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मुझे लग रहा है मैं टाइम ले गई इसलिए आवाज़। हेलो सलाम मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, ज़ारा फहीम, सीबीआई के प्लेटफॉर्म से। ओके ज़ारा फहीम, कैसे हो आप? ठीक हो, प्रोग्राम देख रहे हो? जी जी मैम बिल्कुल प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मेरी 2-3 बहनें भी आई हुई है सीबीआई से, हिना कोमल है और दूसरी, सब बहुत अच्छा वर्क कर रही है। आपका भी नंबर लगने वाला है मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैम, बहुत जल्द हम भी आने वाले हैं। ज़ारा बहुत प्यारा काम करते हो आप, बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत सीनियर हो आप, मैंने देखा आपका काम बहुत प्यारा काम जी जी। बस ये मैम आप लोगों की पीबीआई की वजह से और ये विनर्स टीवी की वजह से ही हम लोग इतना आगे बढ़े और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत मेरे फ्रेंड मेरे रिलेटिव सब बहुत खुश है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जो है ना अपने मतलब लोगों को आगे लेके आ रहा है ना। ओके अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद थी ज़ारा फहीम और ज़ारा बहुत प्यारा काम करती हैं और इसी तरह आप लोग भी ऑफ कोर्स। अच्छा जो मैं एक बात देखी, जो बहुत जब पहली बार मेरे ब्यूटी सेगमेंट में आते हैं, जब मैं उनका काम देखती हूँ तो मैं खुद चाहती हूँ कि उनको बार बार बुलाया जाए। तो इनमें बहुत सारी ऐसी, अभी तो प्रोग्राम इनिशियली स्टार्ट है हमारे, मैं हमारे मॉर्निंग शो को भी स्टार्ट हुए 15-20 दिन हुए, तो ये कि आप जैसे जैसे यहाँ पर आएंगे और मेरे यहाँ पर बहुत सारे आप चीज़ें देखेंगे, टैलेंटेड लोग, बहुत ही डिजर्विंग लोग, हम उनको फिर इंशाल्लाह बार बार बुलाएंगे, इसलिए कि हम चाहते हैं वो अपने काम को आपके साथ शेयर करें। यही हमारा स्लोगन है, यही हमारा मोटिव है और यही गुड मॉर्निंग विद सभी के स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योर वुमेंस, वो लोग जो आगे आके आपको एक कदम आगे बढ़ाएं यानी कि अपने हुनर से। और हुनरमंद खवातीन कभी भी मैं नहीं चाहती पीछे रहें, हुनरमंद खवातीन जो हैं वो अपने टैलेंट से अपने आप को मनवाएं और अपने स्किल्स में और मजीद इजाफा करें। और ऐसी खवातीन जो होती हैं वो अपने बिजनेस को भी बहुत अच्छा डेवलप कर लेती हैं। चले जी कहाँ तक हो गया, डन भाई, टाइम दे रहा हूँ आप लोगों का, मुझे जरा शिजर पे टाइम बताइएगा कितना रह गया जी, टाइम कितना रह गया है अंदाजे से कुछ थोड़ा? यस मुझे लग रहा है मैंने अपनी वायर हिला दी है और मेरी आवाज कान तक नहीं आ रही जी, हो गया डन, सॉन्ग रेडी कर दे, एक इनकी प्रेजेंटेशन हो जाए, जब तक मैं चलती हूँ हिना के पास, हिना से बात करती हूँ। हिना ये बताइए मुझे कि जैसा हेयर स्टाइल है कुछ, अब इसको मैक्सिमम कितना, अभी मैंने तो आपने एक स्टेप बनाया ठीक है और एक आपने मतलब बना के और एक सामने में, मैक्सिमम एक स्टाइल को कितना टाइम लगता है? देखिए सबसे पहले जो है ना हेयर स्टाइल को प्रिपरेशन करने में बहुत टाइम लगता है, पहले हम सबसे पहले इस पे क्रम कर रहे ताकि बालों में हमारा वॉल्यूम आ जाए, जब वॉल्यूम आता है तो तकरीबन हमारे पास 15-20 मिनट लेते हैं हम लोग काम करने में ना, 15-20 मिनट हमारा जो है हेयर स्टाइल डन हो जाता है। और अगर जब हमें अगर आयरन करनी हो या जो हमने कर्ल्स करने हो तो कर्ल्स जो है वो फिर थोड़ा जितनी मशीनरी यूज़ होगी उतना ही हमारा टाइम आगे बढ़ता रहेगा, कि अगर हमने फ्रंट स्टाइल देखे कर्ल्स करने हैं तो फिर कर्ल्स में थोड़ा टाइम लगता है, तो हाफ आवर्स लग जाते हैं, फिर आपने और ज़्यादा हैवी देना है, लाइंस क्रिएट करनी है तो उससे ज़्यादा जो है फिर हमारे पास जो है फिर और टाइम हमें चाहिए होता है।
तो ये क्लाइंट की डिमांड होती है कि उसको कैसा हेयर स्टाइल चाहिए, इसी हिसाब से फिर जो है हम लोग कर रहे होते हैं। अगर हमारा हल्का स्टाइल है, हमारे से क्रम्पिंग तो हमें लाजमी सब में करनी होती है, क्योंकि बालों को वॉल्यूम देते हैं, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी की जो क्लाइंट होती है बाल बहुत हल्का है, बाल बहुत हमारा जो है लाइट होता है, तो हमें उसको वॉल्यूम देने के लिए कि हमारा बाल थोड़े से हैवी लगे, तो उसमें हम क्रम्प करके फिर हम लोग जो हेयर स्टाइल कर रहे होते हैं। क्या बात है, कि बहुत अच्छा ब्रीफ किया आपने, है ना। और हमारी जो है ब्राइड्स बिल्कुल रेडी हो गई हैं, उनकी प्रेजेंटेशन भी रेडी हो गई है, और मैं चाहूंगी कि एक रैम वॉक हो जाए और सॉन्ग हो जाए रेडी। तो शहजाद भाई, आर यू रेडी? सॉन्ग की मुझे आवाज आ जाए तो मैं सबसे पहले जो है महनाज की जो है वो ब्राइड की प्रेजेंटेशन चाहूंगी। महनाज व मुस्नाज, चलो।
अलग अलग सैलून से, तो हम चाहते हैं अलग अलग इनकी प्रेजेंटेशन, अब ये बंद कर दीजिए। अच्छा जी, हमारे दरमियान जो है मेहनाज मौजूद हैं, हमारे दरमियान जो है इस वक्त ये देखें जी, मेरा जो है ना ये मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, हम इसको इस साइड लाते हैं और ये आ गई डमी इस साइड पर। ओके डन, ये आ गया हमारे पास। अच्छा जी, सवाल ये हो गया है हमारे दरमियान, और ये मैं मेहनाज से पहले बात कर लेती हूँ। ये हो गई डमी, ये हो गई डन। ओके, देखिए मुझे खुद कुछ करने पड़ते, मुझे नजर नहीं आ रही ना सैलून ब्यूटिशियन। हिना मौजूद है और आयशा रिजवान मौजूद है और हमारे दरमियान मेहनाज मौजूद है, और मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि आयशा से कितने साल हो गए काम करते हुए? आयशा मैम मुझे 16 साल। नहीं यार ऐसा है यार, यकीन करो तुम लग नहीं रहे उतनी उम्र की, तो 16 साल तो कभी ऐसा होता कि इतना टाइम मैंने जिंदगी को अपने प्रोफेशन को शोबे को इतना दिया और मैं इस सैलून को लेके चल रही हूँ, प्रॉब्लम्स भी आई होंगी थोड़ी बहुत तो सबके साथ ही होती है। आते तो कभी ऐसा लोग जानते यार ठीक है सैलून है जी, मानूर सैलून है, आयशा रिजवान है, लेकिन कभी ऐसे यार एक बड़े स्क्रीन पर आ गए हैं, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मुझे कपिल शर्मा का शो याद आ गया, आपने कभी सोचा था उस शो में सॉरी माजरत के साथ, अब कहते आर्टिस्ट की कोई हद नहीं होती तो वो लफ्ज मुंह पे आ जाते हैं। तो है ना, आपको आपने इनका ड्यूरेशन का आप बहुत सीनियर हो, आप बहुत सीनियर हो और ये बहुत अच्छी बात है। कितनी और ब्यूटिशियंस को आप सिखा चुके हो? काफी लड़कियों ने सीखा, आपने सिखाया है। अच्छा, बात ये नहीं होती कि हम लोग लग रहे क्या हैं या काम है, हम लोगों का अपना हुनर हाथों में जादू है और ये पैशन अंदर से, जैसे इन्होंने हिना कोमल से मैंने पूछा तो उसको तो 2-3 साल हुए लेकिन इसके पैशन माशाल्लाह वर्किंग कितना जबरदस्त है। अच्छा मेहनाज का, क्योंकि ऑफकोर्स पता नहीं, अब मुझे नहीं मालूम उसकी आवाज आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ से ये मूव करके उन्होंने माइक उतार लिया, थोड़ा सा उस तरफ हो जाना आयशा तुम्हारा भी माइक उसको लग जाए। नहीं नहीं बस इट्स ओके। मेहनाज बहुत टाइम हो गया माशाल्लाह आपको जी। काम आपने किया, आपने कहा मुझे रुकावट, तो कौन ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, हस्बैंड या अब्बू? जल्दी से बताओ। ब्रदर्स आई अल्लाह भाई कवारी मन में जी। अच्छा जी, मेहनाज के जो है घर में जब कवारी थी तो इनके भाई जो है वो आते हैं यार, वो सुल्तान रही बन जाते हैं, खामा खाई ना होते हैं हर जगह, ऐसा कोई टेंशन नहीं है जो मनवा लिया ना आपने, लेकिन आपके अंदर स्ट्रॉन्गनेस होनी चाहिए। एक बात याद रखिएगा, आपने अपने टैलेंट से बनवाना है कि आई एम राइट, और आपको प्रूव करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत कम लकी लोग होते हैं जिनकी फैमिलीज उनको सपोर्ट करती है, लेकिन बहुत जो है ऐसा भी सिस्टम होता है फैमिलीज में, तो उनको पता क्या तो पुशअप करते हैं वो, उनकी फैमिलीज के इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं ना वो उनको, यार तुम्हारी बहन देखो मैंने ऐसे ये, तो वो जब बाहर बातें करते ना, राशन तो उन्होंने डालना नहीं है, बातें ही करनी गटर बटर कान में डाल के उनको एग्रेसिव करते हैं। तो काम वही है जो आपके, आप अपनी बहन को कभी किसी का मोहताज ना करें, अल्लाह ना करे उसे कभी प्रॉब्लम हो सकती है, इतना कॉन्फिडेंस ना रखे, नहीं जी सब हो जाएगा, उसका शौहर जिम्मेदार है, नहीं हो सकता अल्लाह ना करे उसके शौहर पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, फिर फाइनेंशियली भी आ सकती है, तो फिर उसको तो खुद फेस करना है ना। तो इसीलिए कभी भी अपनी बहनें अगर उनकी कुछ सीखने का उनका दिल कर रहा है तो फिर उनको जरूर सपोर्ट करें, और गॉड गिफ्टेड है कि आप किसी को सपोर्ट करते हैं, अल्लाह पाक आपको मुंतखब करता है। हम मेहनाज से पूछे, तो मेहनाज फिर आपने प्रूव कर दिया कि यू आर टैलेंटेड और आप सिंसियर हो अपनी फैमिली के साथ, ये आपने मुझे सपोर्ट ज्यादा बाबा करते हैं मेरे। अरे अल्लाह इनके, अरे अल्लाह बाबा मेरे वाला हाल है, बाबा ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा लेकिन मैंने कहा ना मुझे भी थोड़ा टाइम लगा है उनको कन्विंस करने में, थोड़ा सा कन्विंस मुझे 10 साल लगे, 10 साल मनाते हुए मान जाओ, रूठे हो तुम कैसे मनाऊंगे ना भैया, ऑपोजिट भैया हो गए ना। अच्छा जी, हम लोग इसी तरह बात करते रहेंगे, और आप भी देखें यहाँ पर बिठाने का मकसद या बताने का मकसद क्या है कि आप लोग भी टैलेंटेड हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स फेस आप लोगों को भी करना होगा, किसी को 6 महीने, किसी को साल, किसी को 10 साल, लेकिन जब आप किसी जगह पर मकाम पे खड़े होंगे ना, कल मेरे एक दरमियान एक बंदी थी उसने कहा कि जब मैं इस मकाम तक पहुंच गई तो आज उन्हीं की फैमिली की लड़कियां उनकी बेटियों को कहते हैं कि जी हमारी बेटियों को भी सिखा, तो करिए ये वही लोग थे जो गॉसिप करते थे, बाखुदा ऐसे ऐसे लोग हैं जो पहले वो खवातीन है चाची मामियां होती हैं रिश्तेदारों में, पहले एक ही कर लो एक कुड़ी तो बाहर हो जाएगी, खराब हो जाएगी, फलाना ढुमका, जैसे प्रॉब्लम्स की बात होती है, लेकिन क्या होता है जब बल्कि अपनी बेटी को, अरे मेरी बेटी को भी सिखा दो, जब उनको पता चलता है थोड़ा इनकम बन रही है, पर्सनैलिटी बन रही है, तो प्लीज खुदा रहा चाहे अपनी बेटियां हो, आपके कजन्स हो, कुछ भी हो, अगर आपके दरमियान है
तो उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करें, उनका उनका कुछ और कॉन्सेप्ट नहीं, सीखने का है। और जब आप सीखेंगे तो आपके हुनर में इजाफा होगा, और फिर आपके स्किल्स जो बढ़ते हैं तो उससे बिजनेस डेवलप होता है, और आप किसी के मोहताज नहीं होते। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं सही कह रही हूँ ना, आप कभी किसी के मोहताज नहीं होते, बिल्कुल सही कह रही हैं। आप यकीन करें, आप अपने अब्बू का भी बेचारे सारी जिंदगी वो लगा दें। शुरू में तो लोग बातें करते ही हैं, लेकिन जब आप किसी मकाम तक पहुंच जाते हैं ना, फिर वही लोग आप लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी मेहनत की है। लेकिन शुरू में जब हमें जरूरत होती है उनके सपोर्ट की कि हम लोग आगे बढ़ें, उस वक्त वो लोग वो नहीं कर रहे होते, उस वक्त नहीं कर रहे होते। अच्छा जी, आयशा से मैं बात करूंगी। आयशा बताइएगा कि आपको कभी, आपने कहा मुझे हुई थोड़ी प्रॉब्लम, उसके बाद फिर नहीं हुई, फिर इजीएस्ट हो गया, सैलून धड़ाधड़ चल रहा है, कितने लोग रखे हैं, इसकी डकैती लगानी है, कितने लोग हैं? नहीं अभी तो ऐसे, पहले थी लॉकडाउन से पहले, अभी कोई नहीं, अभी सिस्टर और मैं काम करते हैं। अच्छा, सिस्टर भी है। ये है कि मेरी जो सपोर्ट है, सबसे पहले मेरे हस्बैंड है। माशाल्लाह, क्या नाम है उनका? रिजवान। रिजवान भाई, अल्लाह पाक खुश रखे आपको, जो आपने अपनी वाइफ को सपोर्ट किया। अब इसके बाद सिस्टर है। सिस्टर का नाम क्या है? समरीन। समरीन, लकी आप दोनों मिल के, अल्लाह पाक आप दोनों को बहुत कामयाब करे। माशाल्लाह से मेरी तीन बेटियां हैं ना, तो मैंने जब जब क्लासे ली, कोर्सेस किए, तो उसने मेरी बच्चियों को बहुत अच्छे से उनका केयर किया, सारी चीजें की, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी काम करने के अंदर, कि मैं अगर सुबह से शाम तक काम करती थी तो मुझे पता था मेरे बच्चे वो अच्छे से देखेगी। क्या बात है, ये चाहिए फैमिली सपोर्ट, जो हम लोग इनिशियल बात कर रहे थे ना कि आगे बढ़ने के लिए ये रिलेशन, जो छोटे छोटे बहन भाइयों के, माँ बाप के, ये रिलेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, हमें आगे बूस्टअप करते हैं और हम अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं। अच्छा जी, आयशा जी, सॉरी, हमारे पास महनाज, मेरी प्यारी बहन महनाज, आप ये बताइए महनाज, आप को, आपने कहा मुझे बड़ी फेस करना पड़ा, हस्बैंड फिर अब्बू ने सपोर्ट किया, हस्बैंड ने किया? हस्बैंड नहीं है, अनमैरिड। अच्छा जी, आपके बाबा ने सपोर्ट, सॉरी बाबा ने ज्यादा सपोर्ट, अभी भी कर रहे हैं? जी अभी भी कर रहे हैं। देखना चाहते अपने भी कर रहे हैं अब, इस तरह से कि वो ही खानदान की बात आ जाती है, लेकिन अब मेरा नाम है, अब कहीं शादी ब्याह होते तो मैं ही करती हूँ सबके लिए। अच्छा। तो ये कि एक कामयाबी हो जाती है तो फिर सब आपके साथ ही रहते हैं, और नहीं होते तो शुरू में जाहिर ही बात है कि वो बातें रहती हैं, लेकिन आप दुनिया को नहीं देखो, आप अपने किरदार को देखो, आप अपने घर को देखो, आप किस तरह है। लेकिन मैं सैलून में इस तरह से हूँ, मेरे पास बहुत ऐसे कम बच्चियाँ भी हैं कि मैं उनकी सर्विस भी करती हूँ, ब्राइड भी बनाती हूँ, मैं उनसे कोई चार्जेस नहीं लेती। अच्छा। मेरे दिल की यही ख्वाहिश थी, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन मैं किसी को सपोर्ट करूँ। और मेरे पास अभी चार से पांच बच्चियाँ हैं जो मैं इनको फ्री क्लासे दे रही हूँ। अच्छा। बहुत यानी कि कम अरसे में, 5 ईयर्स में सैलून का नाम है, मेरी सर्विस का नाम है। मेरा अब शौक है कि मैं इससे ज्यादा आगे बढ़ूँ। ओके, इनका शौक है कि ये आगे बढ़े। और महनाज, और सॉरी हमारा, सॉरी हिना, हिना एक हिना ये बताएं, जैसे उनका भी शौक है, इनका ये तो शौक इंसान के होता है, तो ऑफ कोर्स वो ही काम हम प्रेजेंट करते हैं, ऐसा ही है। क्या आपका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या इंस्टीट्यूट खोलना है हिना ने, या सैलून बहुत बड़ा बनाना है, क्या आपका सोच? मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सिखाऊं, मैं ज्यादातर फोकस मेरा ये कि मैं सिखाऊं जो मेरे अंदर चीजें हैं, जो मैं ये मेरे अंदर जो टैलेंट है वो मैं दूसरों में तकल करूँ, दूसरों में देखूँ कि हाँ भाई ये भी मेरे जैसा ही काम करिए, क्योंकि आपका काम ही आपको आगे लेके जा रहा होता है, आप खुद नहीं लेके आते, आपका काम अगर आगे दूसरे लोग करेंगे तो आप फैलेगा, आगे जाएगा। तो मैं, मेरा फोकस ये कि मैं ज्यादा सिखाऊं लोगों को ना, गर्ल्स को, जो बेहतरीन है ना, कि बहुत प्यारी बात है। और हिना माशाल्लाह एक पीबीआई के ऑर्गेनाइजेशन, उनके व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, उसमें भी ये बहुत बेहतरीन, वहाँ पे ब्यूटिशियन के ग्रुप्स में सबको सिखाती ही हैं, और यही बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही हैं, और ग्रुप के अंदर भी मैंने आपको एक्टिव देखा है, और अपने हुनर को शेयर करना ये बड़ी बात होती है, ये गॉड गिफ्टेड होती है, और हम ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करें जो हमें सिखा रहे होते हैं। और इसके अलावा इनकी जो अपनी जो क्लासेज हैं, ऑफकोर्स ग्रुप के अंदर सिखा रही हैं, तो ये इनकी एक अपनाइत है, मोहब्बत है, और इससे इनकी मैंने एक चीज़ देखी, आप जितना अपने काम को शेयर करते हो, सिखाते हो, इसमें आपके रिस्पेक्ट में ही इजाफा होता है, लोग आपको मिस मिस टीचर टीचर ऐसा सा करके रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। चले जी, जाते जाते एक छोटा छोटा मैसेज हो जाए, और टाइम आई थिंक खत्म हो गया है, और लास्ट में हम इनकी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो इनकी मैसेज लेते हैं, फिर प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं, और जाते जाते मैं भी एक ब्यूटी वर्कशॉप का एक मैसेज दे दूंगी। चले जी, सबसे पहले ही ना आप मैसेज दे दें। कहते हैं कि मैं लोगों को आप सिखाओ दो, ओके, आप किसी का भला करोगे तो आपका भला कोई करेगा। मेरा ये कर भला से हो भला वाला मिसाल है ना। मैंने तो सुना कर लोगों ने
अच्छी बात है, क्योंकि बी प्रैक्टिकल किया होगा जी। आयशा जी आप बताइए। सबने तो कुछ सोचा वही नहीं था। अरे अल्लाह, अरे अल्लाह, कुछ सोचा नहीं था क्या? मतलब अपने मैसेज का मतलब है कि आप क्या हमारे सुनने वाले ब्यूटिशियंस को क्या मैसेज देना चाहिए कि उनको अच्छा मेहनत करनी चाहिए? जो आपको देख रहे हैं इस वक्त उनके लिए क्या मैसेज है? मीन्स उनके लिए ये मैसेज है कि अपने काम के साथ बिल्कुल ईमानदारी से काम करें, सबकी सुने लेकिन करें अपनी मर्जी की। अच्छा ठीक है, आगे जब भी बढ़ सकते हैं, वरना नहीं बढ़ सकते इस फील्ड में। नहीं, अच्छा इनके कहने का मकसद मैं समझी, कि कुछ लोग ना वो इधर उधर 8-10 खवातीन मिल जाती है ना, वो ये नहीं ये वो, तो वो बंदा डाइवर्ट होता है दिमाग। तो अपने फोकस रखे अपने काम को और फिर अचीव करें उसे और फिर बताए ये देखे जी हमने कर लिया ऐसा ही। ओ मेरी प्यारी बहन जबरदस्त जी, मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपना टैलेंट है, अपना टैलेंट जो है आप दिखाएं, आप सबको दिखाएं, और आपने जो सीखा है सामने भी आप सिखाएं, जितना आपसे हो सके आप ये ऑनर दें। अच्छा, ये हमें एक टैलेंट है तो हम ये टैलेंट दूसरों को भी दे सकते हैं। जबरदस्त, और जितना आप अच्छाई करेंगी तो वो आपके लिए बेहतर। अच्छा जी, चलें जी, ये हो गया मेहनाज बाजी का एक मैसेज और सबने एक एक मैसेज दे दिया, और मेरा मैसेज बहुत जरूरी है और वो मैसेज ये है कि PBI and Carillon की जो है मास्टर क्लास हो रही है और 21 दिसंबर को, और जितनी ब्यूटिशियन है इस क्लास को अटेम्प्ट करना चाहती हैं फौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं। नंबर है 03442069902 पे और 03158248470 पे आप रब्ता कर सकते हैं और इस बड़ी ब्लॉक बस्टर क्लास से फायदा ले सकते हैं। मुझे अब इजाजत दें और इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे, इसी तरह मिलेंगे, इन्हीं मोहब्बतों के साथ मिलेंगे जो आप हमसे शेयर करते हैं, और हम जिस तरह सूरज तुलू होता है नई किरणों नई उमंगों के साथ, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा, लेकिन जाते जाते प्रेजेंटेशन दोनों के एक साथ आप देखिएगा, मेहनाज की और आयशा रिजवान की।